तो सजनों सुनिए, इस दुनिया में आदमी बनकर जन्म लेना बड़ी किस्मत की बात है। अगर वो आदमी गुंगा बहरा और अंधा पैदा ना हो तो और भी सौभाग्य की बात है, और अगर उस आदमी को बीवी ऐसी मिले जो कर्म धर्म से सतवंती हो और पति के अलावा सास और ससुर की खिदमत भी करे तो वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली आदमी होता है। क्या समझे सरकार? आज आपका भाषण सुनने के लिए कल से ज्यादा जनता आई हुई है। गोविंद, ये कुत्ता और बिल्ली नए खरीदे हैं। इंसान जब आदमियों से मायूस हो जाता है तो फिर कुत्ते और बिल्लियों से प्यार करने लगता है। तू भी इन कुत्ते बिल्लियों के साथ शामिल हो गया? घर के सभी आदमी ख्याली पुलाव पकाने लगे तो फिर खाना कौन बनाएगा? हाँ मालिक। गोविंद, अगर आदमी को गलती करने का अधिकार है तो गलती करके पछताने का हक भी है। आप भी ठीक कहते हैं मालिक। गोविंद, ये मुझसे शादी करके पछता रहे हैं। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो क्या हाल था इस घर का? गोविंद, वो बहारों के दिन याद है तुझे? जब मैं था, मेरी जवानी थी और सर पर मेरी माँ का हाथ था। फिर किसी ने इस घर में ऐसे चरण डाले कि मेरी जिंदगी एक क्रॉसवर्ड पजल बनकर रह गई। काश मेरा कोई ये बंगला, मेरी सारी दौलत और मेरी बीवी तक भी ले ले, मगर मेरी माँ मुझे वापस कर दे। पिताजी, अगर भगवान ने आपकी सुन ली तो मेरा क्या होगा? मुझे तो मेरी मम्मी और डैडी दोनों ही चाहिए। अरे बेटा दीपू, तू ही तो मेरे सुने जीवन की रौनक है। अगर तू नहीं होता तो आज मैं एक बहुत बड़ा सन्यासी बन गया होता। दीपू, क्यों अंगारों को हवा दे रहा है? चल जल्दी कर, स्टेशन जाने का समय हो गया है। अरे दीपू बेटा, तूने कहीं स्टेशन मास्टर की नौकरी कर ली है क्या? पिताजी भूल गए आप, छुट्टियाँ खत्म हो गई, कल से कॉलेज खुल रहा है, शहर नहीं जाना। आए, इतनी जल्दी छुट्टियां खत्म हो गई? अरे भाई, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो कॉलेज खुलते ही नहीं थे। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने नहीं जाऊंगा। मेरे चरण छू और जा। जियो, हजार बरस जियो और खूब खाओ पियो। जाओ। कहाँ है मेरे राजे? अपने बच्चों को नहला रहा हूँ माँ। माँ डरा तेरे बच्चों ने? क्या माँ, तू हमेशा ही ऐसा करती रहती है। लल्ले, कल साधना का कॉलेज खुल रहा है, उसे नाव में बिठा कर शहर ले जा और स्टेशन पर छोड़ा। माँ, तू साधना को तैयार कर, मैं अभी इन कुत्तों को खाना खिला के आता हूँ। ओहो लल्ले, जिसने दूध और डबल रोटी तो कुत्तों को खिलाता है, अगर तू खाता बेटे तो रौनक आ जाती तेरे चेहरे पर। माँ, रौनक तो कुंवारों के मुँह पर होती है। मैं ना तो कुंवारा हूँ और ना शादीशुदा। करने को तो तुमने मेरी शादी कर दी, लेकिन एक मरतबा भी घूंघट उठाकर लाजवंती का मुंह तक न देखने दिया तुमने मुझे। भाड़ में गई लाजवंती, कलमुए हमारी क्या लगती है? बेटा, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी। माँ, दूसरी शादी की बात भी नहीं करना, नहीं तो सरकार मुझे भी पकड़ लेगी और जमानत में तुम्हें भी जब्त कर लेगी। हाँ देखा माँ, टोनी ने भी गवाही दी। अब तुम जाकर जल्दी से साधना को तैयार करो, क्योंकि तुम्हारा याद आ रहा था रहना टोनी को भी पसंद नहीं। बाहर में जाए तेरा टोनी, खुद से मारेगा मुआ। ना 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 टोनी, माँ की बात का बुरा मत मानना। हाँ, ये तो ऐसे ही बंडल ठोकती रहती है। आप हर रोज दौड़ी दौड़ी बाहर आती हैं, जिस दिन आपकी चिट्ठी आएगी मैं अपने आप आकर अंदर दे जाऊंगा। बेटी, जिस खत का तुझे इंतजार है वो कभी नहीं आएगा। पिताजी, ऐसे निराशा क्यों? बेटी, जब तक तेरी सास के घर में जहेज के 50,000 रुपए नहीं पहुंचते, तुझे ससुराल से बुलावा नहीं आएगा।
खराब करने से तो फेल हो जाना अच्छा है। अरे माँ, हमारे घर में किसी को तो पास होने दो। तुम्हारे स्लैग प्यार ने मुझे भी मैट्रिक के बरसों आस पास रखा। इसको तो डिग्री ले लेने दो। चल ना, जल्दी कर, रेल गाड़ी छूट जाएगी। चल। अरे कैसे छूट जाएगी? क्यों? क्या स्टेशन वाले नहीं जानते कि किसकी बेटी रेल में सफर कर रही है? अरे बेटे, जब तेरे पिताजी जिंदा थे तो वो फ्रंटियर मेल की लाइन पर पंजाब मेल छोड़ देते थे और पंजाब मेल की लाइन पर मद्रास एक्सप्रेस। माँ, अगर पिताजी आज जिंदा होते तो तुम्हारी लाइन का कांटा जरूर बदल देते। चल दादा, जल्दी कर, चल। अच्छा मम्मी, मिस्टर बेटी। अच्छा, बाय। भैया, यहाँ तो किसी का सूटकेस रखा है। अरे सूटकेस रखना किसी का काम है और हटाना हमारा काम है। तू बैठ जरा, टिकट बुक कर दी। ले, मैं तेरे लिए फर्स्ट क्लास बिस्तरा लगा देता हूँ। और देख, रात को जागने से आंखें खराब नहीं होती है बल्कि अच्छी होती है। खूब जी लगा के पढ़ना। बैठ बैठ बैठ, मैं चलता हूँ। बिस्तर किसका है? आपका मतलब? मेरा मतलब ये है, ये सीट मेरी है, सूटकेस मैंने रखा था यहाँ। सूटकेस रखने से सीट आपकी हो गई? तो क्या बिस्तर बिछाने से सीट आपकी हो गई? पूछो इन लोगों से पहले कौन आया। मैं तो पूछूं, तो यहाँ जाकर बैठिए। वाह वाह, एक तो चोरी और उस पर जीने चोरी। मुंह संभाल कर बात करो मिस्टर। सिर्फ मिस्टर नहीं, मिस्टर दिलीप कहिए। मुझे आपका नाम जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। नाम जानने में दिलचस्पी ना सही,
मुझ में तो हो सकती है। नो मैनर्स। होल्ड योर टंग और एल्स आई विल। बच्चों क्यों फजूल झगड़ती हो? रेल के दो चार घड़ी के सफर में अगर आप लोग मिलजुल कर नहीं रह सकते तो फिर एक घर में, एक शहर में और एक मुल्क में तुम लोग मेल मिलाप से कैसे रहोगे? रेलगाड़ी ही तो ये सबक सिखाती है कि जैसे यहाँ हर जाति, हर मजहब और हर क्लास के लोग एक साथ सफर करते हैं, वैसे ही जीवन भर में हमें कौमी एकता और इतिहास से रहना चाहिए। वाह वाह वाह, आप कौन से कांग्रेसी, पुराने या नए? अच्छा, यहाँ बैठ जाइए, काफी जगह है। देखिए साहब, औरत मत को पांव में बिठा। अच्छा बाबा, यहाँ बैठ जाओ। टोनी, जब तुम्हारा मास्टर कन्हैया तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? वेरी गुड। अच्छा टोनी, जब तुम्हारे मास्टर कन्हैया की मम्मी यानी कि माताजी तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा टोनी, क्रिसमस से अगर वो दिन भी आ गया जब तुम्हारी मालकिन मेरी लाजो इस घर में आ गई तो तुम क्या करोगे? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रोजी, तुमको एक बात मालूम है क्या? पिछले संडे को हमारा बॉयफ्रेंड टोनी हमको घोड़ा गाड़ी में बैठाकर आइसक्रीम खिलाने को ले गया था। तुम कितना लगती है जोसेफीन, अपना जोन तो हमको एक लाली पॉप तक लेकर नहीं देता। अरे मेरे जोहन डार्लिंग, जोसेफीन जरा मेरे बाबा का ध्यान रखना, मैं जॉन से मिलकर अभी जाई। ओ माय लव, माय टॉनी, मैं कैसे जाऊं? रोजी के बाबा को कौन देखेगा? मेम साहब, हम जरा बाथरूम को जाता है, हमारे बाबा का ख्याल रखना। अच्छा, हम अभी जाए, जल्दी आना। थैंक यू। मैंने कहा, ओ मेरी सीट के दुश्मन। अच्छा, तो आप यहाँ भी आ जाएंगे? कहिए क्या कहना है? मैंने कहा अपने बच्चे से किताब आपको ज्यादा प्यारी है। क्या मतलब? मतलब यही है, अगर बच्चा संभाल नहीं सकती तो बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत है? तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप क्या इस बच्चे के बाप हैं? काश कि मैं इस बच्चे का बाप होता तो इसकी माँ को वो सबक सिखाता कि बच्चा पैदा करना भूल जाते। लो लो बेटा 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 बेटा, वोई 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 वोई। रो मत बेटा, इसमें तेरा क्या कसूर है? तुझे तो माँ ही ऐसी मिली। लो लो लो। अरे वाह, बड़ी जल्दी चुप करा दिया बच्चे को। बच्चा खिलाने की नौकरी करोगे? मुझे बच्चे की माँ पर नहीं, बच्चे पर रहम आता है। इतने रहम दिल हो तो जाओ, जरा बच्चे को घुमा लो, बेचारा गाड़ी में पड़ा पड़ा बोर हो रहा है। क्यों नहीं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। सुनो सुनो, वो लंबू तुम्हारे बाबा को लिए जा रहे हैं। मेरी भी तो सुनो, मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ, इसकी माँ के कहने से मैं इसे जरा घुमा रहा था। झूठ, हमारा मेन साहब तो घर में है, ये जरूर कोई बच्चा चोर है, इसको पुलिस के हवाले करना ही मांगता अभी। ये चोर नहीं है, पागल है, बच्चों से प्यार करता है और किसी का भी बच्चा उठाकर उसे खिलाना शुरू कर देता है। मैं कोई पागल नहीं हूँ। सुनो सुनो भाई, आज तक किसी पागल ने अपने आप को पागल कहा है? मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, हमारे मोहल्ले का रहने वाला है और बहुत बड़े घर का लड़का है। ए आया, इस बच्चे को अकेला छोड़कर तू कहाँ गई थी? सॉरी, हम उधर अपने मर्द से बात करने गया था, हमको क्या मालूम पार्क में कोई पागल भी है। शट अप, एक तो अपने काम में गफलत करती है और फिर दूसरों को इल्जाम देती है। सॉरी मैम सर। अच्छा चले जाओ, ले जाओ, सब जाओ, अब जाओ। सुनिए,
तो ये बच्चा आपका नहीं था क्या? आपको इतनी अकल भी नहीं है एक शादीशुदा और कुंवारी लड़की में पहचान कर सके? अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ और कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं भी बच्चा हूँ, मैं भी कॉलेज में पढ़ता हूँ, लेकिन आपने मुझसे मजाक क्यों किया? आपने खुद ही तो कहा था कि आप भाई मुझे मार। अच्छा अच्छा, अब रोनी सूरत मत बनाओ और अपने घर का रास्ता लो। सुनिए, अगली मुलाकात कब होगी? अगली मुलाकात अगले जन्म में। बाय बाय टाटा। अगले जन्म में? अगले जन्म में? हाय 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 गोविंद, जिस आदमी ने सबसे पहले तंबाकू इजाद किया था, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं अपनी आधी जायदाद उसके नाम लिख दूंगा। सरकार, बाकी की आधी किसके नाम लिखेंगे? बाकी की आधी उसके नाम जिसने सबसे पहले हुक्का बनाया था। गोविंद, अपने मालिक से पूछो मेरे बेटे दीपू ने खत में क्या लिखा। गोविंद, अपनी मालकिन से कह दे कि उसके बेटे दिलीप कुमार ने खत में लिखा है कि उसका बीए का इम्तिहान खत्म हो गया है, पर्चे फर्स्ट क्लास हुए हैं, अब वो शहर में दो चार दिन सैर सपाटा करके घर वापस आ जाएगा। गोविंद, जब इम्तिहान खत्म हो गया तो सैर सपाटे की क्या जरूरत है? आखिर शहर है, कहीं मेरा बेटा बिगड़ न जाए। अरे गोविंद, कितना बिगड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा किसी लड़की के प्यार में फंस जाएगा ना। प्यार करना जवानी का हक है। प्यार व्यार जाए भार में। गोविंद, इनसे कह दो कि दीपू को फौरन लिख दे कि गांव चला आए, और ये भी लिख दे कि ये मेरा हुक्म है। गोविंद, इनसे कह दो कि जरूर लिख दूंगा, और साथ में ये भी लिखूंगा कि तुम्हारे बाप का ये हुक्म है कि शहर में सैर सपाटा, गुल गपाड़ा, मौज मेला, ढोल धप्पा जो जी में आता करे, पैसे वैसे की जरूरत हो तो लिख के भेज दूंगा। और गोविंद ये भी कह दे कि सरकार, हाँ, मालिकन गई। ओ, गई। आजकल की आयत भी अजीब सी होती है, बच्चों को अकेले छोड़कर रोमांस करती फिरती है। तुम, ये क्या मजाक है? तुम्ही ने तो कहा था ना अगले जन्म में मुलाकात होगी, इसीलिए मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। लेकिन मैंने तो दूसरा जन्म नहीं लिया, फिर एक छोटे बच्चे से कैसे प्यार करूँ? लेकिन ऐसा हो सकता है, महबूब बड़ी उम्र की हो और महबूब छोटी उम्र का। ना मैंने कभी ऐसा सुना है ना कभी देखा। क्या राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी नहीं थी? अच्छा, तो आप अपने आप को कृष्ण भगवान के बराबर समझने लगे? लेकिन तुम्हें भी तो राधा का दर्जा दे रहा हूँ। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम तो एक अमर प्रेम था। एक बार प्यार करके तो देखो, दिलीप और साधना का प्यार भी अमर ही होगा। जब मैं तुमसे पहली दफा मिली थी ना, तो मैंने ये सोचा था कि तुम एक बददिमाग और झगड़ालू किस्म के नौजवान हो, और जब दूसरी दफा मुलाकात हुई तो मैंने ये समझा कि तुम एक चीप टाइप के जोकर हो। लेकिन अब तो मुझे अपना नौकर समझ लो। जाओ, हम कुछ नहीं कहते। तो हम समझ ले, जिस नजर से हम तुम्हें देख रहे हैं उसी नजर से तुम हमें देख रही हो। अगर कोई किसी को अच्छी नजर से देखे तो वो भी उसे अच्छी नजर से देखेगा। चलो, आते जाते लोग हमें देखते होंगे, कहीं तन्हाई में बैठकर बात करें। चलो। लेकिन उस बाबा गाड़ी का क्या होगा? साथ ले चलते हैं, दो चार साल बाद हमारे ही काम आ जाएगी। ये मुंह और मसूर की दाल, मैंने तो जिंदगी भर कुमारी रहने की पसंद खा रखी। मैं भी कुमारी से ही शादी करूंगा। तौबा, किस बात से वास्ता पड़ा है? तो क्या किसी गुंगे से शादी करने का इरादा है? क्यों, तुम बड़े वो हो। हम बड़े वो हैं। हम बड़े वो हैं। सुनो जी, तुम हो तुम बड़े वो हो। सुनो जी, तुम बड़े वो हो। तुम सा देखा ना हमने दीवाना कोई। चलो माना हो हम बड़े वो हैं। चलो माना हो हम बड़े वो हैं। हम बुरे या भले आप ही के तो हैं। सुनो जी, तुम हो तुम बड़े वो हो। तुमसे कौन लड़े? रात को नींद चुराते हो, दिन को ख्वाब दिखाते हो। अब तुमसे कौन...
देखो जी देखो हम पे ना ऐसा दोष धरो, देखो जी देखो हम पे ना ऐसा दोष धरो। सुनो जी तुम ओ तुम बड़े वो हो, सुनो जी तुम ओ तुम बड़े वो हो, तुम सा देखा ना हमने दीवाना कोई। चलो माना हो हम बड़े वो हैं, जब आ जाती हो आंखों पर छा जाती हो, ओ मेरी जान बहार, दिल मेरा खो जाता है पागल सा हो जाता है, ओ मेरी जान बहार। जाओ जी जाओ हमसे ना ऐसी बात करो, जाओ जी जाओ हमसे ना ऐसी बात करो। चलो माना हो हम बड़े वो हैं, चलो माना हो हम बड़े वो हैं, हम बुरे या भले आप ही के तो हैं। सुनो जी तुम हो तुम बड़े वो हो। सुहाना ले बैठे वो ना था जो हुआ, कितना भी पछतावोगे और कहां अब जाओगे, वो ना था जो हुआ। छोड़ो जी छोड़ो भूल बिसरे न कोई बात करो, हाँ 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 ना 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 ना। सुनो जी तुम ओ तुम बड़े वो हो। अच्छा ये तो बता इम्तिहान के पर्चे कैसे? बहुत अच्छे तुम्हारे? A1। वंडरफुल। अच्छा गांव कब लौट रही हो? मैं तो कल जा रही हूँ, पर तुम? धूप के साथ साथ साया, हमारी मुलाकात कब होगी? अरे हाँ याद आया, परसों हमारे गांव में मेला है, आसपास के गांव से हर साल लोग वहाँ आते हैं, तुम भी इसी बहाने आ जाना। जरूर आऊंगा। गोविंद मोतीलाल बेधड़क का आज तो एक ताजा शेर सुन जो मैंने बाथरूम में लिखा है। मोहब्बत एक टमटम है जो दौड़ाई नहीं जाती, भड़क उठती है अपने आप ही भड़काई नहीं जाती। वाह दीपू बाबू। अरे दीपू बाबू का शेर नहीं है, ये मेरा शेर है। गरीब बाबू आए हैं। अरे दीपू बेटा आ गया तू? जियो हजार बरस जियो और खूब खाओ पियो। आए तुझे कोट क्यों छोटा हो गया रे, तंग क्यों हो गया है? पिताजी आप ही तो कहते हैं जियो हजार बरस जियो खूब खाओ पियो, इसीलिए खूब खाता पीता रहा हूं और कपड़े जरा तंग हो। अरे अरे मेरा बेटा दीपू आ गया है, कैसा है रे? हाय रे दो तीन महीने में तू कितना कमजोर हो गया। लो मां जी पिताजी कह रहे हैं मैं मोटा हो गया हूँ। अरे बेटा बुढ़ापे में नजर कमजोर हो ही जाती है। हां दीपू अब के अमावस की रात आए तो मुझे याद दिलाना, अगर आधी रात के वक्त सुई में धागा डालकर न दिखा दूं तो मेरा नाम मोतीलाल की जगह सूरदास रख देना। जो हुक्के में पानी नहीं डाल सकते वो सुई में धागा क्या डाल सकते हैं। चल बेटे चल जल्दी चल। अरे अरे मैं तो तुम्हें बुलाने स्टेशन जा रहा था, लेकिन अब तो मैं आ गई। ये तो गड़बड़ हो गई, मम्मी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें स्टेशन से ले आऊं। चलो काम करते हैं, अपन फिर एक बार स्टेशन जाएंगे और वहां से वापस आ जाएंगे, ये तो मम्मी नाराज हो जाएगी। चल चल। भैया तुम मम्मी से इतना डरते क्यों हो? मैं मम्मी से नहीं डरता हूँ, मम्मी की हेरा फेरे से डरता हूँ। चलो भैया चलो। देखना अब फिर आना पड़ा ना तुझे, लल्ले के टोनी का आज जन्मदिन था, केक के लिए मोमबत्ती ढूंढने में 4 घंटे लगा दिए इसने, आग लगे ऐसी अंग्रेजी फैशन को। चला कुछ खा पी ले। चला जा बेटे।
मेरे बाप को गाली देती है बाल लोच के हाथ में दे दूंगी। हाँ जलम जली मैं तो तुझे वहाँ मारूंगी जहाँ पानी ना मिले। हाँ। छोड़ मेरे बाल, तू छोड़ मेरे बाल, तू छोड़, तू छोड़। यहाँ मंदिर में तमाशा दिखाने आई है लोगों को। हाय हाय राम, मैं तो इसको पेट भर कर खाना नहीं देती थी, कितना जोर से आ गया। छोड़ दो, छोड़ दे इसे, शर्म नहीं आती तुम्हें, मर्दों की तरह लड़ती हो। उठो माँ। इसने मेरे बाप को गाली क्यों दी? क्यों री, तूने अपने ससुर को गालियाँ नहीं दी? बोल। हाँ हाँ जी। आप दोनों इस तरह क्यों लड़ रही हैं? क्यों न लड़े, ये कलमुही मेरी बहू है, ये कलमुही मेरी सास है। सास और माँ में क्या फर्क होता है? और सास किस तरह निंदा करते हुए तुझे लाज नहीं आती? इसको लाज कहाँ से आएगी, ये तो मैं के छोड़ कर आई है लाज मेरे कर्म फोड़ने को। बहन ये तुम्हारी बहू है, बहू और बेटी में क्या फर्क होता है? आपस का झगड़ा है, घर जाकर निपटा ले। पक्की चोर है पक्की चोर, मेरे मरद से 2 रुपए लेकर आई थी, 1.5 रुपया हड़प कर गई और अठन्नी मेरे हाथ में थमा दी। चुप करती है या नहीं, तेरे मरद ने 2 रुपए दिए तो क्या तेरा मरद इसका बेटा नहीं हुआ? माँ का हक पहले बेटे पर होता है और दूसरा बीवी का, समझी? पाँव छू अपने सास के? ना बाबा ना, अगर मैं झुकी तो मेरे सर पर गन्ना मारेगी। छू ना पाँव, सासू माँ है तेरी सासू माँ। इससे कह दो 1 अठन्नी मुझे और दे दे, फिर छूंगी इसके पैर। अच्छा बाबा ले 8 अठन्नी, 4 आने की जलेबी ले और उसमें 4 आने का जहर मिला और खा के सो जा। 8 अठन्नी तो दे दे, मैं जहर भी खा लूंगी। ले मर, सुखी रहो। चलो बेटी, कहाँ के रहने वाली हो? जी मैं इसी गांव की। क्या नाम है तुम्हारा? साधना। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? जी वो तो स्वर्गवास हो चुके हैं, रेलवे के बहुत बड़े ऑफिसर थे। क्या नाम था उनका? राय साहब हरप्रसाद। राय साहब हरप्रसाद, अरे हाँ, तुम्हारी माँ का नाम भागमती है ना, रंगपुर वाले? जी हाँ। बेटी मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम किसी बड़े घर की लड़की हो। अच्छा जी। रंग रंगी नीली पीली लाल चूड़िया, अरे चूड़िया ले लो। वो चूड़ी वाले इन सारी चूड़ियों को क्या दाम दोगे? सारी की सारी चूड़िया? बोने के वक्त में काहे को मजाक करते हो बाबू? अरे मजाक नहीं भैया, कहो क्या लोगे? सच कहते हो तो इन सब चूड़ियों के पूरे 50 रुपए लूंगा, दोगे? ये भी लो बाबू। अरे भैया सुनो, क्या है? एक और काम है। कहिए ना। ले ले ओए कुड़िये, रंग बिरंगी चूड़िये। ले लो चूड़िया जी, ले लो चूड़िया, नीली पीली लाल हरी आसमानी। ले लो चूड़िया जी, ले लो चूड़िया, अरे नीली नीली पीली पीली लाल हरी आसमानी। दे दो चूड़िया जी, दे दो चूड़िया, ये सोनी है कलाई मेरी ढोल जानी। देखो ये चूड़ी वाला है दिल वाला, प्यार का रसिया है बड़ा मत वाला। हाँ देखो ये चूड़ी वाला है दिल वाला, प्यार का रसिया है बड़ा मत वाला। रहियो बच के, रहियो बच के, रहियो बच के रूप की ओ रानी। ले लो चूड़िया जी, ले लो चूड़िया, और नीली पीली लाल हरी आसमानी। दे दो चूड़िया जी, दे दो चूड़िया, ये सुनी है कलाई मेरी ढोल जानी। Thank you.
ना कुड़िए अब तक डाले रखे दिल पर ताले मैं कुर्बान जाऊं रे तेरे लिए ही मैंने सुन चूड़ी वाले अब तक डाले रखे दिल पर ताले लाल हरी आसमाने देखी न ऐसी कभी नरम कलाई हाथ लगाया जरा और मुरझाई मैं तो छुई मुई कुंभला जाऊंगी ढूंढोगे जग सारा हाथ ना आऊंगी छुप न सकेगी प्यार की निशानी ले लो चूड़िया हर नीली नीली पीली पीली लाल हरी आसमानी अच्छा तो तुम बहरुपिये भी हो मजनू ने लैला के लिए बन बन की खाक चाही फरहाद ने शीरी के लिए तेशे से पहाड़ काटा और इस सदी के लेटेस्ट लवर दिलीप ने अपनी बिलवट साधना के लिए चूड़ियों का व्यापार किया बस बस पहले ये तो बताओ कि तुम इतनी देर थे कहाँ मैंने तो मंदिर का कोना कोना छान मारा हम भी बैजू बावरा बनकर तुम्हारा ही पीछा कर रहे थे छोटे कहीं के सुनो साधना क्या तुम उन दो गवार औरतों का झगड़ा नहीं निपटा रही थी हाँ उसके बाद एक शरीफ औरत तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछ रही थी हाँ दिलीप लेकिन वो औरत कौन थी बड़े प्यार से बातें कर रही थी तुम उसे होगी कोई बेचारी माँ जिसे अपने बेटे के लिए बहू नहीं मिल रही होगी हटो जी वो तो किसी बहुत बड़े घराने की औरत मालूम होती थी इतनी पसंद है तो सास बना लो उसे देखो त्योहार के दिन मजाक मत करो क्या किसी भी राह चलती औरत को मैं अपनी सास बना लूंगी उम्र भर राज करोगी जानती वो औरत हमारे गाँव की बहुत बड़ी सेठानी है बल्कि लोग कहते हैं लक्ष्मी का निवास उन्हीं के घर में है और लड़का भी उसका इकलौता क्या तिरछा बांका जवान है जिधर से गुजरता है लड़कियां बेहोश हो जाती भाड़ में गई वो सेठानी और उसका बांका लड़का देखो साधना मुझे और मेरी माँ को गाली नहीं देना सच तो तुम्हारी माता जी थी देखा माँ बेटी की पसंद एक निकली ना गोविंद लड़की बहुत सुंदर है खानदान है तो माना हुआ और स्वभाव तो क्या कहूँ देवी है देवी गोविंद मेरी माँ ने भी मेरी शादी से पहले इसी तरह एक लड़की की तारीफ की थी नतीजा सामने है क्या बात है पिताजी अरे बेटा तेरी माँ ने तेरे लिए मंदिर में से एक देवदासी देख ली है माँ कौन है वो बेटा पास का गाँव रंगपुर है ना वहाँ रेलवे के एक बहुत बड़े ऑफिसर होते थे हर प्रसाद बहुत साल पहले उनका देहांत हो गया ये उन्हीं की लड़की है लड़की अपनी माँ भागमती के पास रहती है वो भागमती वो हिज मास्टर वाइफ का घिसा हुआ रिकॉर्ड जो एक हाथ से सुबह सवेरे दातुन करती है दूसरे हाथ से केला खाती है एक आंख से सवाल पूछती है दूसरी आंख से जवाब देती है और देखो दीपू बेटा अगर तेरा रिश्ता उस घर में हो गया तो हमें ये मकान छोड़कर पुलिस स्टेशन के पास नया मकान लेना पड़ेगा क्यों इसलिए कि रोज रिपोर्ट लिखवाते लिखवाते जूते घिस जाएंगे सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है बेटा मैं तेरी माँ हूँ कोई दुश्मन नहीं अगर तुझे विश्वास ना हो तो लड़की खुद चल कर देख दीपू आग दूर से ही प्यारी लगती है मजा तब आता है जब उसमें हाथ डाला जाए माँ मुझे विश्वास है जो तुमने मेरे लिए लड़की ढूंढी है उससे अच्छी कोई नहीं हो सकती जीते रहो मेरे बेटे डैडी अरे किसका डैडी मेरी तो शादी नहीं हुई मैं कुंवारा हूँ बेटा कहाँ से आ गया डैडी मैं जानता हूँ आप क्यों नाराज हैं अगर मेरी बात सुनेंगे तो आप उछल पड़ेंगे सुना अरे जियो हजार बरस जियो और खूब खाओ पियो
मगर बेटा ये मान लिया कि लड़की गाय है मगर उसकी माँ तो खच्चर है। डैडी खच्चर पे इतना असबाब ला देंगे कि बोझ के मारे सारे बल निकल जाए। बेटा तेरी माँ से शादी करके मुझे अगर कोई फायदा हुआ तो सिर्फ इतना कि मुझे तेरे जैसा बेटा मिला है, असल रकम तो डूब गई मगर सूद मिल गया। खूब फूलेगी फलेगी बेटी हर पर शाद की, बाप ने तो करके शादी जिंदगी बर्बाद की। भाई साहब इस कविता का क्या मतलब हुआ? हर प्रसाद जी होते तो फौरन मतलब समझ जाते। बहन जी इसका मतलब है कि हमें लड़की बहुत पसंद है। भाई साहब ये तो मेरा भाग्य है कि मेरी बेटी आपके घराने में जाए, और फिर माया देवी तो मेरी बचपन की सहेली है, हम एक दूसरे के नाखून तक पहचानते हैं। क्यों नहीं बहन जी, भगवान की दया से आप दोनों का स्वभाव भी एक ही है, इसीलिए तो मैं रिश्ते के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा तो फिर भागमती बहन 22 तारीख शुक्रवार का दिन शादी के लिए ठीक रहेगा? नहीं बहन जी, शुक्रवार के दिन शादी नहीं होगी। शुक्रवार बड़ा मनहूस दिन है। शुक्रवार के दिन महात्मा गांधी को गोली मार दी गई, शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, और शुक्रवार वाले दिन मुझको फांसी के तख्ते पे लटका दिया। क्या मतलब चाचा जी? अरे भतीजे शुक्रवार वाले दिन मेरी शादी हुई थी, आज तक रो रहा हूँ। बहन जी ये शादी मंगल को होगी। ठीक है ठीक है भाई साहब, मुझे मंजूर है। अच्छा तो फिर हमें आ गया है। चलो चलो। राजवंती राजवंती सुना तूने, तेरी ननद की शादी है। हमारे गांव में बहुत से लोगों को निमंत्रण पत्र आए, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं शादी में जा रहा हूँ, तुम शादी में जा रही हो, मैं किसी को क्या जवाब दूँ? तुम्हारी सास ने हमारी छाती में मूंग दलने के लिए हमारे गाँव में निमंत्रण भेजे ताकि लोग हमारी हंसी उड़ाए। तुम्हारी सास तो है ही जन्म चली, मगर तुम्हारे घर वाले को तुम्हारा ख्याल होना चाहिए था। पिताजी, उनको क्यों दोष देते हैं, माँ के सामने उनकी कब चलती? जैसी माँ वैसा बेटा, रात कभी सूरज को जन्म नहीं दे सकता। भगवान के लिए उन्हें कुछ न कहिए पिताजी। भगवान को तो मैं कोस नहीं सकता, लेकिन शैतान को तो कोसने दो। अगर वो इंसान होता तो शादी के बाद इस तरह तुझे महके में बिठाए रखता? न जाने कौन से जन्म का पाप मेरे सामने आया कि चुड़ैल जैसी समथन और शैतान जैसा दामाद में। बेटी, पिताजी मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा? तू कहाँ जाना चाहती है बेटी? शायद इस घर से भी मेरा दाना पानी उड़ गया है। कैसी बातें कर रही है तू? आपके घर में मैंने जन्म लिया, यह मेरा सौभाग्य था। बचपन खुशियों के झूले में गुजरा, फूलों के डोली में बिठा कर आपने मुझे ससुराल भेजा, लेकिन वहां मेरे लिए कांटे ही कांटे थे। भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है, लेकिन मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि पवित्र अग्नि के सामने जिसके हाथ में आपने मेरा हाथ दिया, आज आप उसे शैतान कहकर पुकारे। मैं तो क्या कोई भी प्रिय शब्द सहन नहीं कर सकेगी। अब मैं आपको और दुख देना नहीं चाहती, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। लाजवंती अब मेरा यह रहना, न जाने गुस्से में मैं क्या क्या बकिया लाजो। तुझ जैसी बेटी पे किस बाप को मानना होगा? जिस पति ने तुझे एक दिन का भी सुख नहीं दिया तो उसकी निंदा नहीं सुन सकती। तू महान है बेटी, बहुत महान है। कमला जी, क्या आप ही लाला चमनलाल जी हैं? हाँ भाई, क्या बात है। राम राम जी। जी मैं रंगपुर से आ रहा हूँ, स्वर्गवासी हरप्रसाद की पत्नी की तरफ से, उनकी लड़की साधना की शादी है, आपको और बिटिया लाजवंती को साथ लाने के लिए कहा है। कोई भूल तो नहीं हुई तुमसे? जी नहीं, कन्हैया की माताजी बहुत शर्मिंदा है, वो रो रो के कह रही थी कि आपसे कहना कि अगली पिछली बातें भूल कर उन्हें क्षमा कर दे और भगवान के लिए उनकी नाक रख ले। क्या ये लाजवंती की सास के शब्द है? जी हाँ, वो ये भी कह रही थी कि अगर आप लोग ना आए तो वो ये शादी ही रोक देंगे। भगवान ने तेरी सुनी, अब वो तेरे सारे दुख निवारण कर देंगे। पिताजी जब उन्होंने बुलाया है
तो हमें चलना ही पड़ेगा। चलिए तैयारी कीजिए। चलो बेटा। नदी तो क्या मुंह लेकर आए होगा? किसने दावत दी थी तुम लोगों को यहाँ आने की? बहन जी, आपके बुलाने पे ही तो हम लोग आए हैं यहाँ। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए हरकारा भेजा था। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। फौरन घर के पिछवाड़े से वापस चले जाओ। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो थूकेंगे मेरे मुँह। थूकेंगे और जरूर थूकेंगे। चमनलाल, तुम भी कमाल हो। तुम इस घर के समझी हो और ऐन शादी के वक्त पर पहुंच रहे हो। भाई साहब, ये पतीला छाट बिन बुलाए यहाँ धमकी? बहन जी, ये बिन बुलाए नहीं आए। तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए इनको शादी का निमंत्रण मैंने भेजा था। चमनलाल मेरा पुराना दोस्त है और लाजो इस घर की बहू है। घर की बहू के बगैर घर में शादी के अच्छी लगेगी? बहन जी, एक वो भी दिन था कि चमनलाल लाखों में खिलता था और आज भिखारी बनकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भगवान ना करे तुम्हारे भी दिन फिर जाएं और इसकी तरह तुम भी एक दिन इसके दरवाजे पर भिखारन बनकर झोली फैलाई ये गाना गाते फिरो। तेरे द्वार खड़ी कपापन राजा झोली। कोई सुन लेगा तो? आप नहीं जानते भैया, जब इसने अपने बेटी की मंगनी मेरे कन्हैया से की थी तो वादा किया था कि शादी के वक्त 50,000 रुपए दहेज में देगा। पर भगवान के सौगन खाकर कहती हो भैया, आज तक मैंने 50 पैसों का भी मुंह नहीं देखा। अरे चमनलाल, ये तूने अच्छा नहीं किया। बहन जी, मैं 50,000 रुपए तो क्या अपनी इकलौती बच्ची को लाखों देता। कारोबार में घाटा पड़ जाने से मैं 2 कौड़ी का रह गया। मैं अब भी कहता हूँ, ईश्वर ने मेरी सुनी तो मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। तुम क्या वादा पूरा करोगे? मैं भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। 50,000 रुपया नहीं दोगे, तुम्हारी बेटी इस घर में नहीं बसेगी। खागमती बहन, ये लोग भी इज्जत वाले हैं, इनका इतना अपमान अच्छा नहीं। अकल से काम लो और जुबान को रोको। भैया, मेरी जबान को रोकने वाला अभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। राजा कंस भी यही कहता था कि उसको मारने वाला अभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, लेकिन भगवान की लीला न्यारी है, उसने उसकी बहन के घर में उसको मारने वाला पैदा कर दिया। जय श्री कृष्ण। भाई साहब, अगर वो कृष्ण भी आ जाए तो मेरी जबान नहीं रोक सकता। खड़े मुंह क्या देख रहे, निकल जाओ यहाँ। ए भागमती बहन, तुम भी कान खोल कर सुन लो। इनके साथ साथ इस घर से बारात भी वापस जाएगी, ये शादी नहीं होगी। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मैं तबाह हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। भाई साहब, आप इनकी बातों में क्यों दखल देते हैं? आप अपना सोचिए ना। बहन, तुम ठीक कहती हो, मुझे अपना ही सोचना चाहिए। ये बताओ कि तुम मुझे जहेज में क्या दे रही हो? आपकी सहूलियत के लिए जहेज बक्सों में बंद कर रखा है, घर जाकर देख लीजिए। साधना के नाम डाक खाने में 5,000 रुपए रखिए। रुखसती के वक्त साधना के हाथ में 5 बुक दे दूंगी। सिर्फ 5,000? बहन भागमती, मुझे तो इस घर से 2-3 लाख की आशा थी। खैर, कोई बात नहीं, तुम विधवा हो इसलिए 1 लाख में फैसला कर लेते हैं। भाई साहब, मैं गरीब विधवा, 1 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगी? ये मैं कुछ नहीं जानता। तुम अपने आप को गिरवी रखो या इस मकान को बेचो, मगर मुझे जहेज में 1 लाख रुपया नकद चाहिए, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। चाचा जी। अरे बेटा, क्या कर रही थी? चाचा जी, मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा मुंह देखकर हमारी लाश पर पर्दा डालिए। ओ भागमती बहन, तुम इस देवी को ठुकरा रही हो। बेटा, तुम्हारा कहा मैं नहीं टाल सकता। तो भागमती, अब हिसाब किताब यूं हुआ कि 50,000 रुपया जो चमन ने जहेज में देने का वादा किया था, वो तुम मेरे 1,00,000 रुपए में से काट लो। लेकिन भाई साहब, बाकी के 50,000 कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बाबा, ना दे, उस 50,000 के बदले में अपनी बहू को घर में बसा ले। अगर ये मंजूर है तो फिर हंसकर हाँ कह दे।
ओ नहीं मंजूर तो फिर मैं जा रहा हूँ शादी रोकने। मुझे मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। तो ठीक है फिर अपनी बहू को ले जाओ और साधना को तैयार करके मंडप में लाओ। जाओ बहू रानी, चलो 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 बहू रानी। भैया ये क्या कर रहे हो? भाई साहब आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दोस्ती दोस्ती होती है प्यारे, चनों का व्यापार नहीं। चलो चल कर बच्चों को खुशी देखे। चलो हसो, अरे हसो ना, हसो। हरि ओम स्वस्तिनिन्द्रोग्धसवाहा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनः सारथो अरिशमेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातुः ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीसुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशा सन्तु मह्यं मा विष्णोररातमसि विष्णोः सुपत्रेष्ठो विष्णोः दूरसि विष्णो ध्रुवोऽपि वैष्णवमसि विष्णवे स्वा। अरे गोविंद आपने मालकिन से कह दे कि ये चौखट शीशम की है, इस पर तेल जरा कम डाले। गोविंद अपने मालिक से ये कह दे, ये दिन रोज रोज नहीं आता, मुझे जी भर के शगुन मना लेने दो। गोविंद अपनी मालकिन से कह दे कि जरा जल्दी करे, बच्चों को अंदर आने दे, ऐसा ना हो कि बच्चे दरवाजे पर खड़े खड़े बूढ़े हो जाए। मिजाज कैसे? आप कैसे पूछ रहे हैं, जैसे मैं कोई पराई हूँ। क्या अपनों के मिजाज नहीं पूछे जाते? देखा तो उनका पक्का निकला ना, ले आया ना अपने बना के। तो मैं कौन सी उनकी कच्ची हूँ जी, जो कुछ मैंने सोचा था वही हुआ, बांध लिया ना आपको। अच्छा कहो नया घर कैसा है, यहाँ के लोग अच्छे लगे ना? आपको तो मैं जानती ही हूँ, माता जी से भी भेंट हो गई थी, और आपके पिताजी वो तो बड़े ही हंसमुख हैं। आपके क्यों, अब तो मेरे पिताजी भी हो गए हैं। हाँ उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया जो मेरे भैया का घर बसा दिया। साधना तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी लड़की है, फिर तुम्हारी माँ उस पे इतना जुल्म क्यों करती है? अपनी अपनी आदत होती है। साधना हमारी पुरानी रस्में अजीब सी है, जब तक सास बहू को तंग न कर ले और बहू सास से झगड़ा मोल न ले, दोनों को चैन नहीं पड़ता। हर सास ये भूल जाती है कि वो भी कभी बहू थी, और हर बहू ये भूल जाती है कि उसे भी एक दिन किसी की सास बनना है। लेकिन मैं नहीं भूलूंगी। हम तुम्हें ऐसी बातों का मौका ही नहीं देंगे। अपने प्यार में तुम्हें मगन रखो। एक बात और बताइए। क्या? माताजी और पिताजी आपस में आमने सामने बातचीत क्यों नहीं करते? तुमने आते ही बात तार ली। जी लेकिन इसका राज क्या है, क्या आपस में अनबन है दोनों की? ऐसी कोई बात नहीं, ये तुम्हें बचपन से। अरे बच्चों नीचे आओ, प्रोग्राम शुरू होने लगा है। चलो चलो। गजब हो गया। अरे का हो गया? हो गई नींद पर आई। अरे बन्नो मुई जवानी गई भाड़ में, बिपता लेकर आई। कल जो
इतनी जवान हो गई, रमा काहे मैं इतनी जवान हो गई, अच्छे अच्छों की नजर बेईमान हो गई, अच्छे अच्छों की नजर बेईमान हो गई, रमा काहे मैं इतनी जवान हो गई, रमा काहे मैं इतनी जवान हो गई। कमरे में। अरे जो मुसीबत मेरे सर पे थोपी गई है उसे तू अपने पल्ले क्यों बांध रहा है? माँ लाजो मेरी बीवी है, इस घर की बहू है, कोई मुसीबत मुसीबत नहीं है। और ये भी याद रखो तुम इसे इस घर में रखने की 50,000 रुपए कीमत भी वसूल कर चुकी हो। हाँ अरे वाह, आज तेरे मुंह में जबान कहाँ से आ गई? चल जा अपने कुत्ते कुत्तियों को संभाल जा जल्दी। अरे इधर कुत्तों में रह रहकर मैं भी कुत्ता हो गया हूँ। आते ही बुद्धू मियां पे जोरे डालने शुरू कर दिए ना, लेकिन बहुरा ने तेरी साथ भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। खबरदार तो मेरे बेटे को हाथ भी लगाए। बेटियों का शौक मुझे भी, लेकिन नील घराने की औलाद से तो बे औलाद ही रहना अच्छा। मेरे मर्जी के खिलाफ न इस कमरे से बाहर जाना न आना, मेरे साथ सोना, दो वक्त की रोटी तुझे मिला करे। माँ जी जब आपने मेरे सर पर हाथ रखा है तो फिर अच्छी तरह रखिए,
सूखी सूखी तो दो वक्त में पिताजी के घर में भी खा लेती थी। जानती हूँ बाप के घर में क्या खाती थी, यहाँ तो आटे की आधी बोरी खाली कर दी। जवान चला गया। गोविंद जी, आज तंबाकू की खुशबू कुछ और ही है। सरकार तंबाकू तो वही है। अरे तंबाकू तो वही है, ये तो मैं भी जानता हूँ, मगर घर का नक्शा बदल गया है। अरे वो नक्शा नहीं, पहले जब मैं तंबाकू पीता था तो मैं दीपू का बाप था, और आज मैं तंबाकू पी रहा हूँ तो साधना का ससुर भी हूँ। बहू के घर में कदम रखते ही घर में खुशबू सी फैल गई है, है ना? जियो जियो जियो, हजार बरस जियो और खूब खाओ पियो। मगर बेटी मेरा दिमाग तो खराब कर रही हो तुम, मुझे तो गोविंद के हाथ से चाय पीने की आदत है। पिताजी अब हर रोज सुबह की चाय मैं ही आपको पिलाया करूंगी। जीती रहो, तुमने तो हमारे सितारे ही बदल दिए बहू, हम बहुत खुश है तुमसे, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। ये लो, ये इस घर की तिजोरी की चाबियां हैं, आज से इस घर के लेन देन की मुख्तार तुम हो। पिताजी मान जी के होते हुए ये चाबियां आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बेटा अगर चाबियां उसके हाथ में होती तो आज तक मेरा दिवाला निकल गया होता, बड़ा खुला हाथ है तेरी सास का। अरे ले 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 ले, और देख अगर तेरी सास कुछ मांगे तो अपनी अकल से काम लेना, आज से इस घर की फाइनेंस मिनिस्टर तू है, बजट जरा होशियारी से बनाना है। गोविंद छोड़ देना भूस में चिंगारी। सरकार आप जैसे महापुरुषों की वजह से तो फायर ब्रिगेड का महकमा खुला हुआ है। गोविंद अपने मालिक से कह दो कि मुझे 500 रुपए चाहिए। गोविंद अपनी मालकिन से कह दो कि मेरा दिवाला निकल गया है, मैं कंगाल हो गया हूँ, मेरे सब इख्तियार छिन गए हैं। गोविंद इन्हें समझा दो, अब बहू घर में आई है, सोच समझ के बात किया करें। गोविंद अभी अभी हमने जो कुछ किया है मालकिन को बता दो। मालकिन सरकार ने तिजोरी की चाबियां बहू को सौंप दी है। सौंप दी है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे ऊपर पहरा बिठा दिया गया है। 25 साल से इस घर से माथा जोड़ा है मैंने, मेरे हाथ में तो आज तक कभी चाबियां दी नहीं, और कल के बहू को आते घर के मालकिन बना दिया। गोविंद अपनी मालकिन को समझा दो कि जो कुछ लेना है अपनी बहू से मांग ले, उम्र भर मेरी जेब चाबियों के गुच्छे का बोझ उठाती रही है, मुझे भी तो हक है अपना बोझ हल्का करने का। न जाने मेरी किस्मत में ये गुलामी किसने लिख दी, जिंदगी भर इनके सामने हाथ फैलाती रही, अब बहू के सामने। वाह वाह वाह, अरे गोविंद चाय पिएगा? नहीं मालिक। तू घर ही रहेगा, तू नहीं समझेगा कि सोशलिज्म का क्या मतलब होता है। दीदी तिजोरी की चाबियां तेरे पास है? अच्छा चल मुझे 500 रुपए निकाल कर दे। मां जी क्या जरूरत है? बेटी इस घर में तू नई नई आई है, घर की जरूरतों का मुझे ही पता है। 250 से काम चलेगा? बहू जान पड़ता है ससुर जी ने आते ही तुझे हाथ में ले लिया, 500 की जरूरत 500 से ही पूरी होती है, 250 से नहीं। चल जी अभी लाती हूँ, बिल बनवा लीजिएगा। वो किस लिए? पिताजी को दिखाने के लिए। कोई जरूरत नहीं, चल जल्दी कर। अच्छा। लो घर के हिसाब के लिए भी अब वही खाता खोलना पड़ेगा, फूट गई मेरी तस्वीर। ये बता माँ सोई हुई है ना? हाँ, सो रही है। अच्छा लाजो ये बता तुम उसे नाराज तो नहीं है ना? तू तो जानती है मेरा कोई दोष नहीं है, न जाने कंबख्त ये माँ अपनी दीवार बन के क्यों खड़ी हो गई है। न जाने इस कलमुई को कब मौत आएगी और हम दोनों का कब मिलाप होगा। लाजो ऐसे लोगों की उम्र बड़ी लंबी होती है, और जो अच्छे होते हैं ना उन बेचारों की जल्दी छुट्टी हो जाती है। सुनो जी अगर आप चाहें तो माँ जी को चाय के पाली में जहर दे दूं।
तो मेरा भी ये चाहता है, लेकिन क्या करूं, माँ है ना, उसने जन्म दिया है ना। दादू अच्छा एक बात बता, क्या तू एक काम कर सकती है, गांठ खोलकर थोड़ी देर के लिए सीढ़ियों के पास आ सकती है? खुद आकर ले जाओ, मुझे डर लगता है। लाजो प्यार में डर कर जीने से मर जाना अच्छा है। अरे लाजो तू नहीं जानती मेरे सीने में लावा चाव बन रहा है, तेरी सूरत अच्छी तरह देखने को मेरी आंखें तरस रही। लाजो ये सब दीवारें तोड़ कर चलिया, ये गाती हुई चलिया, ऊंची ऊंची दुनिया की दीवाने से यहाँ तोड़ के जी तोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के मैं आई रे। अरे मेरी लाजो आजा आजा ना। अच्छा मैं तो अभी पाऊँ आती हूँ, रोशनी मत करना, मैं तो मुझे माँ को पता चल जाएगा। जहाँ बैठी है वहीं बैठी, खबरदार तो यहाँ से ही। टेलीफोन भी बनाने शुरू कर दिए बेटे? ये मत समझ, जब तक लाजो इस घर में है मैं सोया करूंगी, तो उस दिन चैन से नींद आएगी जब ये कलमुई तेरा पीछा छोड़ देगी और मैं तेरी दूसरी शादी रचाऊंगी। माँ क्यों मेरी जवानी बर्बाद करने पर तुली हुई है? आमने सामने मिलना, पास बैठना या बात करना तो एक तरफ रहा, तू दूर दूर से भी मुझे मेरी बीवी से बात नहीं करने देती। बीवी कहता है उसे कंगलों की औलाद दो धोतियां घर से लेकर आई थी, खबरदार जो लाजो से कोई संबंध रखा था, पराए घर की तुझे प्यारी हो गई और माँ तेरी दुश्मन है। माँ जी। अरे तू यहाँ चली आई, अपनी टांगों की सलामती चाहती है या नहीं? माँ जी आपसे विनती करने आई हूँ, आप दो जीवन क्यों बर्बाद करती है, इनकी दूसरी शादी कर दीजिए। ये बात अपने हाथों से लिख कर देगी? बड़ी खुशी से, मेरे कारण इनके जीवन में क्यों कांटे बिखरे? लाजो क्या कांटों के लिए सिर्फ तेरा ही जीवन रह गया है? माँ सुन ले, मैं जीऊंगा तो इसके साथ और मरूंगा तो इसके साथ, मैं तेरा बेटा सही लेकिन फिर भी इंसान हूँ। अरे चुप, इंसान का बच्चा, चल जा ऊपर, जा जल्दी। रावण का दरबार लगा हुआ है, रावण और उसके भाई बंधु सब आस पास बैठे हुए हैं। जंगल में सुरूपनखा रावण की बहन लक्ष्मण के रूप पर मोहित हो जाती है, लक्ष्मण आग भगूला हो उठता है और गुस्से में आकर सुरूपनखा का नाक काट देता है, और सुरूपनखा रोती पीटती रावण के दरबार में भैया भैया पुकारती हुई दाखिल होती है। भैया भैया अरे ये रामायण तो हजारों साल पुराना किस्सा है, मगर आज ये सुरूपनखा कहाँ से आ गई? आओ बहन जी, आओ आओ आओ, आज आपने अपने शुभ कोमल चरण कैसे डाले? भाई साहब आप लोगों से मिलने के लिए जिया बेकरार हो रहा था। आए, बाहर तो छाई नहीं, फिर जिया कैसे बेकरार हो रहा था? ए बहन जी, जिस दिन मैं आपके घर से आपकी बेटी अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाया था, उसी दिन मैंने आपसे कह दिया था कि बहन जी जब भी आपने हमारे घर में चरण डालने हो तो हफ्ते दो हफ्ते का नोटिस दे देना, ताकि आने वाले खतरे से हम जरा चौकन्ना रहे। भाई साहब आपके मजाक की आदत नहीं गई। बहन जी मैं सूरत देखकर ही मजाक करता हूँ। वो तो ठीक है, बच्चे कहाँ हैं? दीपू नजर नहीं आता। दीपू तो बाहर गया है और साधना ऊपर वाले लोग आ गई। बेटी बहन जी कहाँ हैं? बहू अपनी माँ को अपनी सास के पास ले जाओ, आज राहु और केतु दो शुभ ग्रहों के मिलन का दिन है। अच्छा तो सास माँ भी आई है? अरे और कन्हैया तुम भी आए हो, कमाल है, पहले तूफान आया और ठंडी हवा पीछे है। हाँ जियो, हजार बरस जियो और खूब खाओ पियो। अरे ओ गोविंद जी, साहब का सामान ठिकाने लगाओ, चलो चलो आओ बेटा, बैठो बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ, हाँ बैठ जाओ, बताओ क्या हाल है? बस जी रहा हूँ चाचा जी। अरे क्या दबी जुबान से कह रहा है कि बस जी रहा हूँ चाचा जी, अरे खुलकर बोल कि बस जी रहा हूँ चाचा जी। लाजवंती बेटी कैसी है?
अब तो जुदाई की घड़ियों की सारी कसर निकाल दी होगी। नहीं चाचा जी, अब तो अंगीठी सामने है लेकिन आग ताप भी नहीं सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लाजो अपने मैके में रहती थी और अब उसे निचले कमरे में माताजी के साथ पल्लू बांध के सोना पड़ता है। राम 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 राम, तो क्या तेरी माँ तुझे लाजो के साथ घुल मिल कर बात भी नहीं करने देती? बात करना तो एक तरफ रहा, उसका साया भी मुझ पर नहीं पड़ने देती। अब देखिए ना, उसे वहां घर में अकेली छोड़ाई है और मुझे ही अपने साथ ले आई है। पिताजी। हाँ बेटा। एक बात कहूँ? हाँ कहो। मगर कान में। अरे ऐसी कौन सी खुफिया बात है जो कन्हैया से छुपाना चाहता है? पिताजी बात ही कुछ ऐसी है। बात ही ऐसी है तो सुना। जियो, हजार बरस जियो और खूब खाओ पियो। अरे पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन ही होगा। कन्हैया तेरी माँ का क्या प्रोग्राम है? शायद दो दिन यहाँ रहेंगे। हाँ हाँ वेरी गुड, तू ऐसे कर, तू दीपू के साथ बाहर जा। लेकिन कहाँ चाचा जी? अरे वहाँ मोहब्बत को मिले आंसू, वहाँ से सितारे बन के आते हैं जहाँ से। अरे ऐसा मौका हाथ से मत छोड़, जल्दी जा, भागमती को मैं संभाल लूंगा। जा 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 जा, अरे जा जा जा। अरे बाजेगी अब मुरलिया बाजेगी। डर लग रहा है कहीं माजी आ जाएंगी तो। अरे माजी तो 48 घंटे बाहर रहने वाली है। पिताजी माजी को समझा देंगे, हम दोनों पास के गांव में डैम देखने गए हैं। मगर 48 घंटे तुम कहां गुजारोगे? तुम मेरी फिक्र न करो, मैं तुम्हें सुबह लेने आ जाऊंगा। चल लाजो। अरे ये लाजो, ये लाजो। देख मैं तेरे प्यार में वहां से भाग कर चला आया हूं। अरे मर मर के मिलन की खड़ी आई है और तुम उससे परे परे भाग रही है। न जाने दीपू को क्या सोची, मेरा तो अभी उसे देखकर जी भी नहीं भरा था और वो कन्हैया को लेकर दूसरे गांव डैम देखने चला गया। तो क्या हुआ मम्मी, भैया भी तो पिंजरे का पंछी है, उसे कब रोज घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है? ये तो बता बेटी, तेरा शतरंजी ससुर कुछ कमाता वाता है या बैठे बैठे अपने जवाने की कमाई फूंक रहा है? मम्मी वो रिटायर हो चुके हैं। बेटी तो फिर गृहस्थ कैसे चलेगा, बैठे बैठे तो राजाओं के खजाने भी खाली हो जाते हैं। अब तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, ग्रस्त बढ़ेगा, तब तक तो ये बूढ़ा बूढ़े दीवारा निकाल छोड़ेंगे। तो यूं साफ साफ कहो ना मम्मी कि मैं भी अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दूं। साफ साफ कहने की क्या जरूरत है बेटी, मेरा मतलब तो तू समझ ही गई। ये मत समझना तेरी सास बड़ी अच्छी औरत है, मेरी बचपन की सहेली है, इसके रंग ढंग मैंने देख रखी है। इसने भी तो अपने सास को जूड़े से पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं सुना, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उन्हें घर से निकाल दूं। जब मैं सास बनूंगी तो मेरी बहू भी मुझे घर से निकाल देगी। और हाँ, आज लाजवंती भाभी की माँ जिंदा होती ना तो तुम्हारे ही घर में आके भाभी को यही पट्टी पढ़ाती कि वो तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दे। हाँ राम, क्या वक्त आ गया है, माँ की शिक्षा का अमृत भी बेटी को जहर लग रहा है। मुझे क्या करना है बेटी, तू जानना और तेरा काम, मैं तो वही कहूंगी जो दुनिया की रीत है। मैं तो चली, मुझे क्या करना है। मम्मी सुनो तो, ओह नाराज हो गई मम्मी जी। ओ मम्मी जी, सासू माँ। ना दीपू बेटा आया ना दद्दा, मैं तो समझी के घर में पड़ी पड़ी खा रही हूँ। गोविंद इसे कह दो कि इस घर में खाने की कमी नहीं है। सरकार है? ये दीपू की माँ नहीं सास है, सास इससे आमने सामने बात कीजिए ना। ओहो, मुझे भी क्या बुरी आदत पड़ गई है, दीपू की माँ हो या दीपू की सास, औरत जात में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। अरे कहाँ चला गया था बेटे तू? बहन जी ये दीपू के साथ है, मैं डैम देखने गया। डैम बेटा कैसा था डैम? बड़ा जबरदस्त डैम था चाचा जी, ये सब आप ही का प्रताप है, मैं कोलू का बैल, मेरे ये नसीब कहाँ। चल बेटा चल, कहीं घाट पर से नाव ना छूट जाए। बहन जी इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, एक दो दिन और हमारे पास रह लेती। हाँ हाँ जरूर रहिए जरूर रहिए, मगर बहन जी ये बताइए अपनी बेटी को शिक्षा विक्षा दे दी ना? मैं इसे क्या शिक्षा दूंगी, ये मेरी नहीं अब आपकी बेटी है। अरे बहन भागमती, ये तो स्वर्गवासी हर प्रसाद के पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो तुम्हारे घर ऐसी बेटी पैदा हुई, और मेरे कितने पुण्य होंगे जो मुझे ऐसी बहू मिली। पिताजी आप मेरी बीवी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम अपनी बीवी की नहीं कर सकते। बहन जी आप जल्दी कीजिए, नाव छूटने वाली है। अरे गोविंद, अरे अपनी माँ।
मालकिन से कह दे कि अपनी समतन को नदी में धकेल आए, मेरा मतलब है कि नदी किनारे छोड़ आए। हाँ चलो चलो, चलो तुम बैठे। पिताजी। हाँ बेटे। अरे जरूर जरूर, चाय पी पी कर मेरा दिमाग खुश्क हो गया है। जीती रहो जीती रहो। अरे बहू सुनो, जब से तुम आई हो मैंने तुझे अपना कोई शेर ही नहीं सुनाया। पिताजी मुझे कविता से लगाव नहीं है। कविता से लगाव नहीं है? अरे इतनी पढ़ी लिखी होकर तुम्हें शायरी का शौक नहीं है? अरे बेटा कविता तो आत्मा की खुराक होती है, अच्छा शेर सुनने या कहने से दिल और दिमाग साफ हो जाते हैं। अच्छा बता ये तू कि भगवान की पूजा करते समय भजन गाए जाते हैं या नहीं? जी हाँ। तो वो भी तो कविता ही होती है। सुनो मेरा शेर। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, मैंने जब पकड़ा था कमबख्त तेरी सास का हाथ। पिताजी आप हमेशा सासू माँ के बारे में ऐसी जल्लीकट्टी बातें क्यों करते हैं? वो तो देवी है। देवी देवी तो है, मगर जिंदगी में उसने मुझे सिर्फ एक ही प्रसाद दिया है, वो है तुम्हारा पति दीपू। इतना अच्छा प्रसाद तो और कोई देवी नहीं दे सकती। अच्छा तो अपने पति की तारीफ शुरू कर दी। जी ये तो मेरा धर्म है। पिताजी आपके सामने मुझे जबान तो नहीं खोलनी चाहिए, आपके चरणों की तरफ देख कर ही एक बात पूछती हूँ। तब पूछो बेटे। आप मां जी के साथ अच्छी तरह खुलकर बात क्यों नहीं करते? पिताजी आप दोनों के बीच में ऐसा कौन सा भाव भेद है? बेटी मैं जानता हूं जब से तू आई है ये तमाशा देख देख कर तेरा दिल कुड़ता होगा। अब मैं तुझे अंधेरे में नहीं रखूंगा, जिंदगी तो तूने इसी घर में गुजारनी है। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की किताब का वो सफा उलट कर सुनाता हूँ जिसमें सिर्फ गम का किस्सा है। 22 साल पहले जब दीपू बच्चा था तो इस दीवार पर लगी हुई तस्वीर की याद में इस घर से रूठ कर चली गई और खाली फ्रेम रह गया। पिताजी इस फ्रेम में किसकी तस्वीर थी? उसकी, जिसने मेरे जीवन में रंग भरे थे, मुझे जन्म दिया था, मेरी माँ की। तो क्या वो घर छोड़कर चली गई थी? चली नहीं गई थी, निकाली गई थी। मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, मेरे बाप का साया बचपन में ही मेरे सर से उठ गया। क्या क्या जतन करके मेरी माँ ने मुझे पाला, मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया, किस शौक से मेरी शादी की, फिर तेरी सास इस घर की बहू बनकर आई। मैं ये नहीं कहता कि तेरी सास बुरी है, हर आदमी में गुण भी होते हैं और अब गुण भी। मेरी माँ और तेरी सास की एक दिन न बन पाई, उठते बैठते झगड़ा। मैंने तुझे कई बार कहा कि मैं पराठी नहीं चपाती खाती। बहू चपाती बनाती हूँ तो पराठों के लिए कहती हूँ, और पराठा बनाती हूँ तो चपाती के लिए कहती हूँ। और ये फिर मीठी पराठी बनाने की क्या जरूरत है? जैसे तेरा बेटा लखपति, जो मैं तुझे रोज मीठी पराठी खिलाती फिरूं। बाल के खाल क्यों खींचती हूँ? आज मेरा व्रत है, मुझे नमक नहीं खाना है। नमक नहीं खाना, मेरा भेजा खाएगी, दिल भ्रष्ट हो गई है। बहू घर से निकालना है तो सीधे मुझसे कहो ना कि मैं चली जाऊँ। जिसे जाना होता है वो मुहूर्त निकलवा कर नहीं जाता, रोज जाने की धमकी देती है, कभी जाकर भी दिखाना। छोटी छोटी बातें बढ़ते बढ़ते पहाड़ बन गई। एक बार मैं कारोबार के सिलसिले में बाहर गया, माँ के आशीर्वाद से मैंने वहाँ लाखों रुपए कमाए। साल के बाद मैं वापस लौट रहा था, सफर के दौरान मैं यही सोचता रहा कि मैं अपनी सारी दौलत ले जाकर माँ के चरणों में रख दूंगा और कहूंगा, माँ आज से तू इस घर की रानी है, तूने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, अब मैं और तेरी बहू मिलकर तेरी सेवा करेंगे। मगर बेटी घर आकर मैंने देखा मेरी माँ घर में नहीं है, तेरी सास के आए दिन के झगड़ों से तंग आकर वो कहीं चली गई।
जाते जाते अपनी तस्वीर भी ले गई। मैंने देश के कोने कोने में उसे ढूंढा मगर वो नहीं मिली। आज तक पता नहीं चला कि मेरी माँ इस दुनिया में है या नहीं। वो दिन और ये दिन मैंने तेरी सास से आमने सामने कभी बात नहीं की। कभी कभी करना भी चाहता हूँ तो मेरी माँ की मूर्ति मेरी आंखों के सामने आ जाती है। बस और कुछ नहीं सुना सकता। ऐसे लगता है कि मैं अपने ही नाखूनों से अपने दम को रेत रहा हूँ। देवी देवता संतान दे देते हैं। अपने अपने मानने की बात है बहू,
अच्छा बहन, अच्छा। साधना, देख, इस तरह मोहल्ले की औरतों को मुंह पर जवाब नहीं देते। ये लोग पुराने विचार की औरतें हैं। और फिर क्या देवी के दर्शन से कोई तकलीफ होती है? बेटी, कल सुबह 4 बजे उठकर नहाकर मेरे साथ मंदिर चल। मां जी, मुझे सुबह 4 बजे उठकर स्नान नहीं किया जाता और खाम खाम मंदिर जाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटी, देख रही हूँ कुछ दिनों से तेरे रंग ढंग भी और लड़कियों की तरह होते जा रहे हैं। अपनी मर्जी से उठती है, अपनी मर्जी से नहाती है, अपनी मर्जी से सिनेमा जाती है, ससुर का रंग तुझ पर भी आ रहा है। अरे रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद। अरे वाह 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 वाह, आज तो इस घर से खुशबू आ रही है। ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई आपस में तकरार कर रहा हो। जीती रहो बेटी, जीती रहो। भगवान करे तेरे हाथ 7 पुत्र हों, वो सब के सब अपने दादा की आदतों पर जाए। एक खुशखबरी सुनाऊ? बधाई हो बेटे, तेरे हाँ भतीजा भतीजी आने वाला आने वाली है। मैं ये खुशखबरी तेरे मैके से लेकर आ रहा हूँ, मगर जब से तेरी माँ को ये पता चला है ना कि उसके घर के आंगन की शोभा आने वाली है, उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और रो रो कर गा रही है, मैं का घरूला मुझे पोता मिल गया। एक मैं ही पापन रह गई हूँ जिसे ये दिन देखना नसीब नहीं हो रहा है, वरना हर आयरे गैरे की यहाँ संतान हो रही है। राजवंती बेटी, लाजो, राजवंती हेलो, मैं पूछती हूँ अब क्या होने कर इस घर में आए हैं आप? बहन जी, मैं लाजवंती को लेने आया हूँ। दुनिया की रीत के अनुसार उसकी पहली संतान बाप के घर में होनी चाहिए। आय हाय, क्या रीत निभाई! मंगनी के वक्त किए हुए वादे तो अब तक पूरे नहीं किए और आप दुनिया के सामने सच्चा बनने के लिए कह रहे हैं कि बेटी की पहली संतान आपके घर हो, ताकि दुनिया मुझे फिटकारे और कहे कि 2-4-10 रुपए का खर्च बचाने के लिए बहू को बाप के घर भेज दिया। जाइए जाइए, पहले अपना पेट तो पालिए। मेरी और आपकी बराबरी क्या, फिर भी दुनियादारी तो निभानी पड़ती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं कर्ज लूँ या मकान गिरवी रखूँ, बाल बच्चा होने तक मैं लाजवंती को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। लारा नप्पा तो आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली। इम्तिहान लाजू ने यहाँ दिया और नतीजा आपके गाँव में निकलेगा। वाह, जवाब नहीं है आपका। पिताजी, मैं यहाँ बड़ी सुखी हूँ, मुझे यहाँ किसी किस्म का कोई कष्ट नहीं है। फिर आप मुझे वहाँ क्यों ले जाना चाहते हैं? वहाँ घर में कोई औरत भी नहीं है, कौन मेरी देखभाल करेगा? पिताजी, अच्छा हुआ आप आ गए। अगर मेरा पहला बच्चा इस घर में पैदा हुआ तो मेरी तरह कायर बुजदिल और दब्बू होगा, और आपके घर में पैदा होगा तो उसमें कोई मर्दों वाली बात तो पे हो। ए कन्हैया, ससुर के सामने आई बाई क्या कर रहा है? चुप रह। जब ये दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है, फिर आप हर तीसरे चौथे महीने कोई ना कोई बहाना ढूंढकर यहाँ क्यों आ धमकते हैं? मैं कहती हूँ जाइए। बहन जी, घर आए हुए आदमी का इतना अनादर न कीजिए। आज मेरे पास धन दौलत न सही, लेकिन कभी मेरे भी दिन थे। उन्हीं दिनों का धोखा खा के तो आपके घर से माथा जोड़ा था, पर हाथ एक फूटी कौड़ी भी ना आई। ऐसा मेरा स्वभाव है शांति वाला, मैं ऊंचा बोल के दुनिया को तमाशा दिखाना नहीं चाहती। जाइए, अपना रास्ता लीजिए। चला जाता हूँ बहन जी, चला जाता हूँ। लाजो बेटी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ नहीं ला सका, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए ये छोटा सा। आहा, ₹1.95 का तोहफा। ऐसा गल्ले की शादी के बाद न मैंने आपके घर का पानी पिया है, न किसी को पीने दूंगी। ये तोहफा अपने ही घर में रखिए, लीजिए। अच्छा बहन, जो चाहे सो करो, दुनिया में किसी को गाली देना शायद पाप ना होगा, लेकिन गरीब को बार बार गरीब और मोहताज को बार बार मोहताज कहने से बड़ा कुकर्म और कोई नहीं है। एक
सूरदास जी का शेर सुनो। सुनाइए। सूरदास जी कह गए हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सरकार सूरदास जी तो हिंदी के शायर थे और ये तो किसी उर्दू के शायर का शेर है। अरे ओ कमबख्त, हमारी लियाकत पे शक करता है? सूरदास जी ने हिंदी कविता अंधा होने के बाद शुरू की थी, जब उनकी आंखें थी तो वो उर्दू में शेर कहा करते थे, समझे? गोविंद अपने मालिक से कह दो मुँह मीठा कर ले। गोविंद अपनी मालकिन से पूछो कि किस खुशी में। गोविंद इनसे कह दो एक खुशखबरी है, बहू रानी का पाँव भारी है। अरे गोविंद, अरे साधना ने तो मंदिर जाने से इनकार कर दिया था, फिर पाँव कैसे भारी हो गया है? गोविंद मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती, ये रही मिठाई। अरे गोविंद हमें बधाई दे, हम दादा बनने वाले हैं। मेरा दिल कहता है कि जरूर लड़का ही होगा, क्योंकि हमारे खानदान में सैकड़ों बरस से ये रिवाज चला आ रहा है कि पहली औलाद हमेशा लड़का ही होती है। आए 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 आए, क्या रौनक होगी, मेरा पोता मेरी गोद में कुलेले करेगा। आए आए आए, और फिर मुझे शेर पे शेर सूझेगा। अरे गोविंद जी, एक शेर सूझ गया। हम अपने पोते का दादा बनेंगे, तबला सरंगी और बाजा बनेंगे। आज से चले गए ना, देखा कोई चीज छोड़ा वोड़ा नहीं है। हाँ वो तो समझ नहीं आ रहा है। माँ जी, हाँ ये सब क्या हो रहा है? ये मेरा सामान आप नीचे के कमरे में क्यों भिजवा रहे हैं? अब तुम्हारे पांव भारी हैं, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मेरा कमरा बदलने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से क्या होता है, और फिर एक ही जगह बैठे रहने से तो दिल उकता जाता। साधना, क्या गृहस्थी की बातें तुम उससे ज्यादा समझती है? बेटी, जो कुछ भी कर रही हूँ तेरे भले के लिए कर रही हूँ। यही तो दिन होते हैं जब एक जगह बैठकर आराम किया जाता है, और फिर घर में लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, कहीं पाँव फिसल गया तो? आपके विचार तो पुराने ही रहे, आजकल के जमाने में डॉक्टर कहते हैं कि इन दिनों खूब घूमना फिरना चाहिए। तो क्या बुजुर्ग लोग मूर्ख थे? मैंने ऐसे थोड़ी कहा। क्या बात है साधना? देखिए ना, मुझसे पूछे बिना ही मां जी ने मेरा सामान तितर बितर करके नीचे पहुंचा दिया। अरे बेटा, मैंने कौन सा पाप किया? इन दिनों इसका सीढ़ियां चढ़ना उतरना ठीक नहीं है। साधना, मां जी तो ठीक ही कह रही हैं, इसमें खफा होने की क्या बात है? मां जी तो यही चाहती है कि मैं दिन भर गुड़िया की तरह एक ही जगह बैठी रहूं, न सिनेमा जाऊं न कहीं और जाऊं। आप आज मुझे पिक्चर ले जा रहे हैं ना? ख्याल तो था, लेकिन शायद हो सकता है ना ले जाऊं। तो ना ले जाइए, लेकिन मैं नीचे के कमरे में नहीं रहूंगी। सासू मां, मेरा कमरा यही रहेगा। हे राम, तू जान और तेरी जिद। सास किसी की भी हो, सब एक जैसी होती है। मालकिन, रसोई के लिए कौन कौन सी भाजी तरकारी लाऊं? गोविंद, अब इस घर में मेरा राज नहीं, बहु रानी का राज है। बहु रानी से पूछ ले क्या खाएगी। बहु रानी, आप ही बता दीजिए कि बाजार से क्या क्या लाना है। गोविंद काका, मैं तो इस घर की दासी ठहरी, मेरी मर्जी से आज तक यहाँ कोई काम हुआ है जो अब होगा? अपनी मालकिन से ही पूछ ले। मालकिन की क्या मजाल जो कुछ बोले, मालकिन पहले इस घर में पति की गुलाम रही, अब बहुर रानी की गुलाम। गोविंद काका, अपनी मालकिन से कह दो ऐसी जली कटी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। नहीं अच्छी लगती तो मेरी बला से। अरे वाह 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 वा, गोविंद, ये दुनिया गुंबद की आवाज है, आज हम इतने खुश हैं जैसे कि हमारी लाठी की कलाई हो। क्यों वाले? अरे बुद्धू, पहले इस घर में हम और तेरी मालकिन ही इंटरप्रेटर के थ्रू बातचीत किया करते थे, अब हमें इस बात की खुशी है कि बहू और सास दोनों को इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ गई है। पिताजी। अरे बेटा, क्यों क्यों खफा हो रही है? जब तूने पहली बार इस घर में चरण रखे थे तो ऐसे लगा जैसे कि इस घर में लक्ष्मी आ गई है, मगर आज तुम्हारे लक्षण देखकर मुझे ऐसे लगा कि तू लक्ष्मी नहीं है, तू महालक्ष्मी है। आ, हा, हा, जीती रहो बेटी, आज तूने हमारे कलेजे में ठंडक पहुंचा दी है, अब हम कभी आइसक्रीम नहीं खाएंगे। अंदर कहाँ घुस रहा है? बाप बनने का शौक था वो तो पूरा हो गया। चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से।
क्या हुआ है बेटा? डॉक्टर रानी जी, बच्चे को कौन से मार्के के डिब्बे का दूध पिलाना चाहिए? बहन जी, अभी तो बच्चा माँ का दूध पिएगा। वैसे बहू को जचके में काफी तकलीफ हुई है, इनकी खुराक वगैरह का जरा ख्याल रखना। मुझे सब मालूम है, मैं कल की छोकरी नहीं हूँ, मैंने भी दो दो बच्चे पैदा किए हैं। अच्छा, मैं जाती हूँ। नमस्ते। माँ का दूध, मैं अपने पोते को इस नीच का दूध पिलाकर कमजोर बनाना नहीं चाहती। चल, इसे मेरे कमरे में ले चली। अरे उठा, उठा ना। अच्छी हो जाएगी। मैं नर्स को इसकी देखभाल के लिए छोड़े जा रही हूँ। मैं भी कभी कभी आती रहूंगी। अच्छा, मैं जाती हूँ। डॉक्टर। सॉरी जमींदार साहब, फूल बिन खिले ही मुरझा गया। क्या सपने देख रहा था कि इस घर में एक नन्ना मुन्ना बालक आएगा, ठुमक ठुमक कर मेरे कंधों पर सवार हो जाएगा, मेरी मूछें खींचेगा। सब अरमान मट्टी में मिल गए। एक गोविंदी, एक मिनट जरा लाजो को दिखा ले आऊं मुन्ने को। लेकिन जरा जल्दी ले आना। जरूर जरूर। ये मेरी मुन्नी, माँ को देखेगा आपने? माँ को देखेगा? लाजो, लाजो देख, मुन्ने की सूरत, वो बहुत उस पति है। मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना। लेकिन माँ जी ने आपको मेरे पास मुन्ना लाने की इजाजत दे दी। अरे माँ जी यहाँ कहाँ है? साधना की ससुराल से जरूरी बुलावा आया था, वहाँ गई है। आप उठिए, अब बाहर जाइए। क्यों? मैं मुन्ने को दूध पिलाना चाहती हूँ। अरे तो इसमें क्या है, पिलाओ। अब जाइए ना। लेकिन क्यों? आप इतना भी नहीं समझते। ठीक है बाबा, ये औरतें भी कितनी खुदगर्ज होती हैं। जैसे ही बच्चा गोद में आया कि पति की छुट्टी कर दी। जाइए ना। क्या कहा? साधना का गर्भ नष्ट हो गया? मेरे कलेजे पे हथौड़ा मारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? बहन जी, इसमें किसी का क्या दोष? होने वाली बात होकर रहती है। माया, इन चोचलों से मुझे तसल्ली ना दे। बहू की देखभाल करना सास का फर्ज होता है। बहन, आदर से बात कर। तेरी बेटी मेरा कौन सा कहना मानती थी? 100 बार मैंने उसे समझाया, इन दिनों में सोच समझ कर पांव उठाते। आखिर है वो तेरी ही बेटी। अगर कोसना है तो मुझे कोसे। मेरी माँ का अपमान करने की कोई जरूरत नहीं। साधना, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। बेटी, तेरे पांव भारी थे तो मैं क्यों नहीं चली आई? मैं तेरे लिए दाई, डॉक्टर, दवा, दारू, सारी चीजों का इंतजाम करके रखती। मुझे क्या पता था बेटी, इस घर के ऊंट की कोई कलसी भी नहीं है, तो मैं तुझे इस भार में क्यों झोंक? भागो। सारी कालिख मेरे और मेरे खानदान के सर पे न थो। तेरी तरह मैंने अपनी बहू को नौकरानी बना के नहीं रखा, सदा पलकों पे बिठाया है। तूने ही इसे विदा करते वक्त पट्टी पढ़ाई होगी कि सास की कोई
मान जी, मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी, कब आदर से बात नहीं की। हाँ हाँ, तू तो मेरे इशारों पर आंखें बिछाती रही, आते ही घर की चाबियां संभाली, 100 मांगा तो 20। लेकिन इसमें मेरा क्या दोष, ये तो पिताजी का हुक्म था। तो पिताजी ने ये भी कहा होगा कि सुबह उठकर स्नान मत किया कर, मंदिर मत जाया कर। तो क्या शादी के बाद बहू को इतना भी हक नहीं कि वो अपनी मर्जी से सोए, मर्जी से जागे और मर्जी से नहाए। माँ को देख के शेरनी हो रही है। जब मैं तेरा सामान नीचे के कमरे में ला रही थी तो तुझे क्या तकलीफ हो रही थी? तकलीफ ये थी कि नीचे के कमरे में घुटन है, हवा का नामो निशान भी नहीं। हाँ, वो दिन और थे जब लड़कियां काल कोठरियों में बच्चे पैदा कर लेती थी। बोल बोल, आप जवाब दे इसकी हर बात का, ना जाने मेरे पीछे मेरी बेटी पर क्या क्या जुल्म तोड़ती रही। बोल ना, अब तुझे क्यों बंद गई? सासू माँ, जिस घर में पहली अशांति है आप वहां और आग लगाने क्यों आ गए? साधना, तूने भी अपनी माँ के कहे सुने में आके सारा घर सर पे उठा लिया। मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी की थी, किसी गवार से नहीं। अच्छा, तो आप भी सारा इल्जाम मेरे सर लाद रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मैं किस माँ की कोख से पैदा हुई, मैं अपनी माँ को अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन आप तो अपनी माँ को समझे बगैर ही मेरे पीछे पड़ जाते हैं। साधना, क्या मैं अपनी माँ को नहीं समझता? बिल्कुल नहीं, मैं जानती हूँ कि इनके दिल में क्या है और जबान पे क्या है। सुन ले बेटा, तेरे सामने मेरी क्या इज्जत हो रही है? इज्जत करने से नहीं होती, करवाई जाती है। लेकिन मैं तो आपकी हमेशा इज्जत करती रही हूँ, और अगर कोई चाहे कि मैं किसी के खामखा तलवे चाटूं तो ये मुझसे नहीं हो सकता। साधना, बकवास न कर, अगर मेरे माँ की मुंह लगी तो चमड़ी उतर। अगर इसे तूने हाथ में लगाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा के रख दूंगी। देखो सासू माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, अगर आपने दोबारा इस घर में चरण डाले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप कृपा करके यहाँ से पधारिए। मैं क्यों जाऊँ? मैंने इस घर में बेटी दे रखी, मैं अपने खून से मुंह क्यों मोड़ लूं? मुझे इस घर में आने का पूरा पूरा हक है। बेटी जब आपके घर में थी तो आपकी बेटी थी, लेकिन अब ये मेरी बीवी है, ये हक मुझे है कि मैं उसे जीता रखूं या मार डालूं। अगर आप यहाँ से अपनी मर्जी से नहीं जाएंगी, मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी सासू माँ होती हैं। मैं आपको धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। मुझे धक्का देगा, मुझे धक्का देगा तो सारे भारतवर्ष में भूचाल आ जाएगा। क्या आंखें दिखाता है? जाती चली जाती हूँ, मगर याद रख, मेरी बेटी से किसी ने उल्टी सीधी बात की तो ऐसी जंग होगी कि लोग महाभारत के युद्ध को भूल जाएंगे। मेरा नाम भी भागमती है, भागमती, मेरा नाम भी भागमती है। हाँ, मेरा नाम भी भागमती। माँ चुप, शादी क्या की, नाक में दम आ गया, इससे तो कुंवारा ही अच्छा था। मेरे मुन्ने तू जब बड़ा होगा, अपने पांव पे जब खड़ा होगा, एक नसीहत तू याद रखना मेरी, ये जो दादी अम्मा है तेरी, इसको ऐसा सबक सिखाना तू, राह पर डड्डा डड्डा लाना तू। मुन्ना को क्या पट्टी पढ़ा रहा है? माँ, ये तुम्हारी याद में रो रहा था, मैं ऐसे लोरी देकर चुप करा रहा था। मैंने तुझे 100 बार कहा है, मेरी मर्जी के बगैर मुन्ना को इधर उधर ना घुमाया कर, किसी की नजर लग गई तो। माँ, अगर इसे नजर लगेगी तो सिर्फ तुम्हारी। अरे चुप, क्या वक्ता है, बोल, मेरे पीछे लाजो ने इसे अपना दूध तो नहीं पिलाया? अरे वो बेचारी इसे दूध कहाँ से पिलाएगी, उस गरीब का दूध तो तुम्हें देखकर डर के मारे ही सूख जाता है। नदी दे, कितनी लंबी जबान हो गई है तेरी, दे इसे मुझे, मैं इसके लिए दूध लेकर आई हूँ, चल हट यहाँ से, हट। हटता हूँ। ओ, 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 ओ। गोविंदी, कहाँ की तैयारी हो रही है? शहर जा रहा हूँ नौकरी करने, अब मेरा इस घर में कोई काम नहीं। जिस घर में अशांति अशांति हो वहां कोई कैसे रह सकता है? तो क्या अशांति का कारण मैं हूँ? कोई भी हो, तुम भी तो एक हिस्सा इस घर का। मैंने सोचा था तुम माँ की इज्जत करोगी, आदर से पेश आओगी, मिलजुल कर रहोगी, लेकिन तुम भी एक मिसाली बहू ही नहीं। अच्छा, तो आपका फैसला अटल है? हाँ साधना, मुझे मत रोको। सुनिए, तुम मुझे भी साथ ले जाइए। मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, न जाने मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी, और फिर परदेश जा रहा हूँ, कौन जाने वाले रहने सहने का क्या इंतजाम है? जब तक ठिकाना पक्का ना हो जाए मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। जब तक मैं तुम्हें चिट्ठी ना लिखूं तुम यहीं रहो। ये बात है तो मैं भी अपनी माँ के पास चली जाती हूँ, यहाँ पहले ही मांझी के दिल में मेरे लिए नफरत जाग चुकी है, यहाँ रहने से नफरत और बढ़ती रहेगी। अच्छा, तो फिर तुम्हारी मर्जी।
अपनी मालकिन से कह दो कि बच्चों का हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहना भी अच्छा नहीं लगता। जवान लड़का है, पढ़ा लिखा है, नौकरी करेगा, कमाएगा, खाएगा। हर आदमी को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। गोविंद, इस घर में किस चीज की कमी है? लाखों रुपए जो दबा कर रखे इसलिए कि मेरा बच्चा शहर की खास शान है। गोविंद, अपनी मालकिन से कह दे कि बच्चा सिर्फ उसी का नहीं है, 60% बच्चे पर बाप का हक होता है। मैं अपनी मर्जी से उसे भेज रहा हूँ, उसने मुझसे इजाजत मांग ली है, बस इससे ज्यादा और किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। गोविंद, अरे एक ताजा ताजा शेर हो गया इसी पे कि हर आदमी को चाहिए अपना कमा के खाना, अपना कमा के खाना, फिर अपना कमा के खाना। कहाँ से ये बरसाती औलाद पल्ले पड़ गई? ओहो मम्मी, साधना, मम्मी जी, मेरी बच्ची, तू अकेली आई है? दिलीप नहीं आया? नहीं मम्मी, वो नहीं आया। समझी, सास से लड़ झगड़ कर आई होगी। ये तो बता बेटी, सिर्फ मुंह जबानी गाली गलौज करके आई है या सास का कोई हाथ पांव भी तोड़ा है? मम्मी, ऐसी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। वो शहर नौकरी करने चले गए और मैं यहाँ आ गई। हाय राम, इतने बड़े घर का लड़का नौकरी करेगा? बेटी, दिलीप तुझसे तो खुश है ना? मुझसे क्या शिकायत होने लगी? शहर में ठोर ठिकाना बनने के बाद वो मुझे वहाँ बुला लेंगे। मुन्ना, ओ मुन्ना, किधर है? अरे कितना प्यारा मुन्ना है, आजा 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 आजा। अरे क्यों उठा लिया इसे? तेरी साड़ी खराब कर देगा, धार मारता है मीठ मीठ में। ऐसा भी क्या मम्मी, ये तो हमारे घर का दीपक है। भैया मम्मी कहाँ है? भैया कुत्तों को नहला रहा है और वो कुएं पे सुबह से नहा रही है। पता नहीं किस जन्म की मैल है जो उतरती ही नहीं। हाँ, रख दे इस कन खजूरे को और चल चाय वो पी ले। चल, ये रहा तुम्हारा उपाय। थैंक यू सर। मिस्टर दिलीप, आज का दिन आराम करो, कल से दफ्तर का कामकाज संभाल लेना। बाय द वे, तुम शादीशुदा हो या कुंवारे? सर, वैसे तो शादीशुदा हूँ। फिर अपनी मिसेज को साथ नहीं लाए? सर, पहले रहने के लिए मकान का बंदोबस्त करना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, हमारे पास एक बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है और खुशकिस्मती से उसकी देखभाल के लिए एक नहायत ही शरीफ और बूढ़ी औरत बरसों से काम कर रही है। चलो मैं तुम्हें गेस्ट हाउस दिखा देता। लक्ष्मी माँ, ये नए मैनेजर आए। नमस्ते। जीते रहो बेटा। बड़े अच्छे घर के हैं, इनका खास ख्याल रखना। माँ बेटे का ख्याल नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? अच्छा मैं जाता हूँ। थैंक यू बॉस। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? जी दिलीप। दिलीप, बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारा। रहने वाले कहाँ के हो? मैं हरिपुर का रहने वाला। हरिपुर? क्या आप कभी हरिपुर गई हैं? हाँ, वहाँ एक मोतीलाल भी तो रहते हैं जिनकी पत्नी का नाम माया देवी है। वो तो मेरे माता पिता है। माता पिता जी, आप उन्हें कैसे जानती हैं? बेटा, मैं एक जमाने में माया देवी की नौकरी कर चुकी हूँ। वो लोग सब अच्छी तरह तो है ना? जी बहुत अच्छी तरह से। भगवान करे उनका घर आबाद रहे, परसों नमक खाया है उनका। अच्छा बेटा, तुम कपड़े बदलना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। शौक से क्या खाते हो? जो प्यार से। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अच्छा, तो जवाई बाबा ने बुला भेजा है? हाँ, लिखा है रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह मिल गई है, जी चाहे तो फौरन चलियो। साधना, इतनी जल्दी चली जाओगी? मेरा तो अभी जी भी नहीं भरा। नहीं भाभी, दो चार दिन अभी और भी रहूंगी, शहर जाकर भाभी का प्यार भी कहाँ मिलेगा। साधना, तुम माँ के घर आराम करने आई है या भाभी के बाल संवारने? मम्मी, बाल संवारने में क्या हर्ज है? ज्यादा परेशान किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। घर छोड़े तेरे दुश्मन। बेटी, मेरे पास जो कुछ है सब
तेरे लिए ही तो है और मेरे लिए सिर्फ डंडा डोरी। अरे भैया कल से तुम कहाँ थे? साधना नौकरी की तलाश में दर बदर फिर रहा था। क्या करूं, बाप बन गया हूं, जिंदगी के लिए कोई ना कोई सहारा तो ढूंढना ही होगा। लल्ले तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तेरी माँ मर गई हो। अरे घी की चूरी खिला खिला कर इतना बड़ा किया है तो क्या आगे नहीं पालूंगी? साधना इसके मुंह ना लगा कर चल खाना खा ले। मम्मी हम दोनों के लिए यही खाना भिजवा देना। हाय हाय ननंद भावद में बड़ा गठजोड़ हो गया है, चल डाइनिंग हॉल में खा ले। अच्छा अच्छा मम्मी गोविंद से कहो हम दोनों के लिए खाना लगा दे, हम अभी आती हैं। भैया कहीं नौकरी मिली? नौकरी हमारी किस्मत में कहा, नौकरी से पहले लोग डिग्री को पूछते हैं और जब उन्हें यह पता चलता है कि मैं श्रीमती भागमती देवी का नूर नजर हूं तो इस तरह घूर घूर कर देखते हैं जैसे मेरे बदन में कीड़े पड़े हुए हों। साधना और तो और मैं अपनी मर्जी से अपने बच्चे को एक टॉफी तक भी नहीं दे सकता। बीबी जी खाना लगा दिया। चलो भाभी खाना खा। बीबी जी आपके लिए ये खाना है, खाने में भी फर्क। हाँ हाँ ये हर रोज यही खाना खाती है, दूसरा खाना इसे हजम नहीं होता। मम्मी ऐसा ना कहो मम्मी, मैं तो इस घर में मेहमान हूँ, मेरे लिए इतना अच्छा खाना और भाभी जो इस घर की मालकिन है इसके लिए सिर्फ दाल चावल। साधना शायद तुम्हारी भाभी की जन्म कुंडली में ही दाल चावल लिखे हुए हैं। भैया ये सब तुम्हारा ही कसूर है, अगर अपने बीवी बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते तो शादी करने की क्या जरूरत थी? साधना क्यों इस बेजबान के मुंह में जबान डाल रही है? आग लगानी है तो अपने ससुराल में जाकर लगा, इनको क्यों भड़का दी? मम्मी ये मत भूलो कि आदमी के हाथ पांव हमेशा एक जैसे नहीं रहते, एक दिन तुम्हारे हाथ पांव भी जवाब दे देंगे और फिर भाभी भी तुम्हें इसी तरह तरसा तरसा के खाना दिया करेगी। पुरानी हड्डियां बड़ी मजबूत होती है, ये तो मुझसे पहले बूढ़ी हो जाएगी। ये बात है मम्मी तो आज से इस घर से मेरा रिश्ता टूटा, मैं अभी उनके पास शहर जा रही हूँ। ऐसा न कहो। चुप रहो भाभी, जिस घर में माँ अपने बच्चों के दुश्मन हो, उन्हें खाते पीते न देख सके, अपनी बहू को भिखारियों की तरह रखे और अपनी बेटी को ये समझाए कि वो अपने ही सास के हाथ पांव तोड़े, वो घर नहीं भाभी वो नर्क है और मैं इस नर्क में एक पल भी नहीं रह सकती। जा जा उस स्वर्ग में चली जा जहाँ तेरा देवता 350 रुपए महीने की नौकरी करता है। कल से उसकी चिट्ठी क्या आई है, दिमाग साथ में आसमान पे चढ़ गया है। मम्मी तुम अपना खजाना अपने पास ही रखो, इज्जत के 350 रुपए भी बहुत होते। भाभी तुमने तो मर मर के जीने की आदत डाल ली है, लेकिन ये सब मुझसे देखा नहीं जाता, मैं जाती हूँ। अरे गोविंद जी, अरे क्या बात है, कई दिन हमसे तेरी मालकिन की आवाज नहीं सुनाई दी। मालिक बहू और बेटे के घर छोड़ने के बाद मालिकन तो आठों पहर आंसू बहाती रहती है। अरे वो तो कुछ दिनों से आंसू बह रही है, हमारी तरफ देखो, हमें 25 बरस हो गए अपनी माँ की याद में आंसू बहाते हुए। अरे देखो दीपू को एक चिट्ठी लिखी है, जाकर डाकखाने में डालो। अच्छा जा जा, कम वक्त जब देखो माँ की याद दिला देते। तो आ गई आप, माँ के घर से जी भर गया, चिट्ठी मिलते ही टिकट कटवा ली। मुझे यहाँ आने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर मुझ पर इतना अधिकार है तो मेरी मर्जी के बगैर अपने मायके क्यों चली गई थी? देखिए सुइया मत चुभ गई, माँ के घर जाने के बाद ही मेरी आंखें खुल गई और पता चला अंधेरा क्या है उजाला क्या है। दिलीप बेटा ये तुम्हारी पत्नी है? जी बड़ी माँ। साधना यही है वो बड़ी माँ जिनके बारे में मैंने तुम्हें लिखा था, जो प्यार मुझे यहाँ मिला है वो मुझे अपने घर में भी नहीं मिला। सदा सुहागन रहो बेटी, पति सास ससुर की सेवा करके उनका आशीर्वाद लो। बड़ी माँ मैं दफ्तर चला, तुम्हारी बहू आ गई है इसे संभालो। साधना मैं जल्दी वापस आऊंगा। बैठो बेटी। बेटी
दिलीप से तुम्हारा किस बात पर झगड़ा हुआ था? जी, इनसे तो नहीं, सासू माँ से किसी बात पर टेंडेंसी होगी। न जाने ये सास बहू की तकरार कब तक चलती रहेगी। बेटी लाजवंती, क्या बात है काका? तुम्हारे पिताजी सख्त बीमार है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है और मुन्ने को भी साथ लाना पड़ा। अच्छा, आप जाइए काका, मैं अभी माजी से आके लेकर आती हूँ। अच्छा बेटी। माँ जी, मेरे मायके से संदेश आया है कि पिताजी सब बीमार हैं। ये कौन सी नई बात है? आदमी बीमार भी पड़ते हैं और मर भी जाते हैं। शुभ शुभ बोलिए माँ जी, आज्ञा हो तो दो रोज के लिए मायके हूँ आऊ। अब क्रियाक्रम पर ही जाना, बार बार जाने की क्या जरूरत है? माँ जी, भगवान के लिए अपनी जबान से ये जहर न उगली। मेरी जबान से उगला हुआ जहर भी अमृत बन जाता है। घर का पहाड़ सा काम पड़ा है, जा जाकर संभाल। नहीं नहीं माँ जी, मैं जरूर मायके जाऊंगी। जरूर जाएगी, मायके की मिट्टी फांकनी है तो जा, दफा हो यहाँ से। धन्यवाद माँ जी। तो अपने नाना से मिलने जाएगा। ठहर, मुन्ने को कहाँ ले जा रही है? माँ जी, पिताजी एक बार मुन्ने को देखना चाहते हैं। वादा फरामोश, मेरे मुन्ने को देखना चाहते हैं। उस कमीने का तो मैं साया भी नहीं पड़ने दूंगी। मैडम, जा चली जाए यहाँ से। इंतजार था, मुन्ना को नहीं लाए। मुन्ना जल्दी में आ गई ना, इसलिए मुन्ना को नहीं ला सकी। अच्छा। माँ, जिस दिन तेरा जन्म हुआ होगा उस दिन जरूर रामेश्वरम में तूफान, काशी में भौचाल और मथुरा में ओले पड़े होंगे। अरे, दो चार दिनों के लिए अगर लाजो मुन्ने को ले जाती तो क्या तेरी छाती पर सांप लौट जाते? अरे, मेरी छाती पर आकर तो सांप भी रस्सी बन जाता है। मगर जरा तो सोच, तेरा वो ससुरा मरने वाला है, अगर वो मर गया तो तेरी बीवी धाड़े मार के अपने बाप को रोएगी या तेरे मुन्ने को देगी? हाँ हाँ, तू तो मुन्ने को फूलों के झिंगले में जला रही है ना। माँ, कान खोल कर सुन ले, मैं भेड़ बकरी नहीं हूँ। अरे क्या, डॉक्टर से इंजेक्शन वंजेक्शन लेकर आया क्या जो शेर की तरह धाड़ रहा है? मैंने तुझे किस जतन से पाला है और आज वो कलमुई बीवी के प्यार में फंसकर मुझे भी बरस रहा है। हाँ हाँ, कर दूंगा भी और परसूंगा भी। तूने अपने घर की बहू को रोटी के दो दो टुकड़ों के लिए मोहताज रखा और तो और अपने पोते को अपनी माँ का दूध तक नहीं पीने दिया। माँ के लिए बच्चा क्या होता है? अरे, माँ होकर भी तूने बात की कदर नहीं जानी। माँ, मैं आज अपने स्वर्गवासी पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तब तक इस घर में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि तू अपने बाप की गठरी को गंगा में नहीं भागेगी। उस वक्त के लिए घर मेरे लिए शमशान है। मैं जा रहा हूँ माँ, अपने दादू के पास मैं जा रहा हूँ। अरे जा जा जा, तेरे ससुर ने वहाँ आम के पेड़ लगा रखे हैं, आम की छाया में बैठकर आम चूसा कर आओ। माँ, मैं हाकों से मर जाऊंगा लेकिन तेरे घर का पानी तक न पीऊंगा। दोषी मैं हूं, आपकी बेटी का हाथ थाम कर भी मैं उसका सहारा न बन सका। जिंदगी में तो मैं आपको खुश नहीं रख सका, लेकिन मैं आज आपको वचन देता हूं
कि मैं आपकी आत्मा को जरूर खुश कर दूंगा। मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन अपनी लाजों को इस जमाने की गर्म हवा तक न लगने दूंगा। लाजो, मैं शहर जा रहा हूँ। वह सदर बाजार में मेरे गांव का एक दोस्त सेवाराम रहता है। मैं उसकी मदद से कोई ना कोई कामकाज जरूर ढूंढूंगा। मगर आपके बगैर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा ठिकाना हो जाएगा ना, तो कुछ दिनों के बाद तू भी मेरे पास शहर चले आना। मैं कैसे आऊंगी? मेरा मुन्ना तो वहां है। मुन्ना? सेवाराम, अगर ये पढ़ा लिखा नहीं तो फिर मैं इसे क्या नौकरी दूं? कपूर साहब, कन्हैया हाथ पांव का मजबूत है, इसे ठेले का काम ही दे दीजिए। कन्हैया, हमारा माल हर रोज रेलवे स्टेशन तक जाता है, क्या तुम ठेले में डालकर ले जाया करो? रोज के 4 रुपए मिलेंगे। जी मुझे मंजूर है। तो फिर कल से काम शुरू कर देना। जी अच्छा। कपूर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बदल गया है, सबको अपनी अपनी आंखें खोल कर चलना पड़ेगा। खोल के आंखें चलो सेठ जी, बदल गया है जमाना। खोल के आंखें चलो सेठ जी, बदल गया है जमाना। अरे अब तो सबको अपना अपना पड़ेगा बोझ उठाना। खोल के आंखें चलो सेठ जी, बदल गया है जमाना।
खर्चा 4% का सूद भुलाना होगा। अरे ना भूले तो टिकट कटाकर दिल्ली जाना होगा। हाथ की गाड़ी पांव का पहिया सीख लो अब तो चलाना। हाँ हाँ खोल के आंखें चलो सेठ जी, बदल गया है जमाना। अब तो सबको अपना अपना पड़ेगा बोझ उठाना। खोल के आंखें चलो सेठ जी, बदल गया है जमाना। कर अंदर चावल अंदर बाहर भी कुछ लाओ। है लाला जी अब देश के धन को बांट बांट कर खाओ। हाथ की गाड़ी पांव का पहिया सीख लो अब तो चलाना। है खोल के आंखें चलो सेठ जी, बदल गया है जमाना। हल रखने वाला कहलाएगा योगी। अरे आने वाले युग में अब मजदूर की पूजा होगी। हाथ की गाड़ी पांव का पहिया सीख लो अब तो चलाना। हाँ हाँ खोल के आंखें चलो सेठ जी, बदल गया है जमाना। अब तो सबको अपना अपना पड़ेगा बोझ उठाना। खोल के आंखें चलो सेठ जी, बदल गया है जमाना। है खोल के आंखें चलो सेठ जी, बदल गया है जमाना। खोल के आंखें चलो सेठ जी, बदल गया। चलो भाभी मैं अभी आपको कन्हैया के पास पहुंचाता हूँ। धन्यवाद। मेरे प्यारे दीपू, डैडी, पिताजी को तो सचमुच पॉलिटिशियन बनना चाहिए था। बेटा मैं यहां जो कुछ लिखा हूं उस पर अमल करना। जरूर करूंगा पिताजी, उसी में तो भलाई है। शुक्रिया। कन्हैया, अरे दिलीप भैया, अरे तुम यहां कैसे? चलो अंदर बताता हूं। मैं यहां मैनेजर। मैनेजर? होम मैनेजर होम। अरे चलो बैठो। अरे बैठो। कमाल है, एक ही दफ्तर में बहनोई मैनेजर और साला कुली। किस्मत भी क्या क्या रंग दिखाती है। चलो अच्छा हुआ ये बुजदिली का चोला तो तुमने उतार फेंका है। तुम रहते कहां कन्हैया? मैं सड़क के फुटपाथ नंबर 2 पर। भैया घर के उन मखमली गद्दों पर वो नींदनी आती थी जो हाथ का सिराना बनाकर फुटपाथ पर आती है। कैसे आती है? घर में जो माँ का भूत तुम्हें डराता होगा। लाजो भाभी कहां है? वो भी कुछ दिनों में आने वाली है। देखो कन्हैया, अब तुम फुटपाथ पर नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ घर चलो, हम लोग सब मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। ठीक है। अरे मुन्ने बोले आई तू। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी। चलो घर से। साधना तुम लोगों को एक साथ देखकर बहुत खुश होगी। चलो चलो चलो। गोविंद बड़ा फरमाबरदार बच्चा है। लिखता है कि पिताजी आपके हुक्म के मुताबिक ऑपरेशन 707 शुरू कर दिया है। सरकार दीपू बाबू क्या डॉक्टर बन गए हैं? अबे गजय डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, मैंने उसे चिट्ठी में अपनी समधन भागमती को सीधा करने का इलाज लिखा था, वो शुरू कर दिया उसने।
चाची नमस्ते। कौन कौन हो तुम? चाची मैं हूँ सेवाराम, तुम्हारे पड़ोसी मेवाराम का बेटा। तू मेवाराम का बेटा है? वो कमबख्त 10 साल पहले सर्दियों में मुझसे 2 कंबल उधार ले गया था, आज तक नहीं लौटा। अच्छा हुआ तू बाप का कर्ज चुकाने चला आया, 60 रुपए के थे वो कंबल। चाची अब भी कंबलों ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा? मैं शहर से आ रहा हूँ, वहाँ तुम्हारे जमाई से एक दो मुलाकातें हुई थी। अच्छा तू दीपू से मिल के आया है? मेरी बेटी साधना कैसी है? क्या बताऊँ चाची, इतने बड़े घर की बेटी और ऐसी दुर्दशा। क्या हुआ मेरी बच्ची को? होना क्या है चाची, दामाद खोटा निकला। साधना बेचारी घर में बैठी आंसू बहाती रहती है और दिलीप होटलों और क्लबों में एक आवारा लड़की की बाहों में झूला झूल रहा है। हाय राम। और चाची साधना बेचारी अंदर ही अंदर घुली जा रही है। ये खबर सुना के तूने मुझे जीते जी मार डाला। हाय मेरी बच्ची। और चाची तुम्हारा लड़का जिसे तुमने देवी देवताओं से मांग के लिया था हाथ गाड़ी खींचता है। मतलब मजदूरी करता है? मजदूरी? हाय मेरा लल्ला। और चाची तुम्हारी बहू है ना, वो किसी के घर में बर्तन साफ करती है। अरे उसे तो बर्तन साफ करने की आदत है, पर मेरा लल्ला। सेवाराम कमलों की बात तो भूल जा, क्या तू मुझे मेरी बेटी और बेटे के पास ले जा सकता है? जरूर चाची। चलो चलो। होनी चाहिए थी उसमें ये झाड़ू। मम्मी तुमने मेरा माथा बड़े घर से जोड़ा था लेकिन मेरे ही कर्म फूट गए। दिलीप कहाँ है? मम्मी वो तो ऐसे बदले कि दिन से रात हो गई, कई कई दिन तक घर नहीं आते। किसी जादूगरनी ने उन पर ऐसा जादू डाल रखा है कि साए की तरह उसी के पीछे लगे रहते हैं। ये घर तो उनके लिए सराय है, सराय तभी उनका ठिकाना है, दिन भी वहाँ रात भी वहाँ। चल बेटी मुझे क्लब ले चल, मैं उसका दिमाग ठिकाने ला देती हूँ। नहीं मम्मी नहीं, वो तुम्हारा अपमान कर देगी। साधना मेरा अपमान करने से पहले भगवान को भी 100 दफा सोचना पड़ेगा। फिर दीपू किस किस खेत की गाजर मूली है, चल मेरे साथ। नहीं मम्मी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, वो उस लड़के के सामने मेरी बेइज्जती कर देंगे। सेवाराम जी आप ही मम्मी को क्लब ले जाइए ना। जरूर चल सेवाराम चल। वो देखो चाची, मेरी परी जैसी बच्ची को छोड़कर ये चुड़ैल के साथ डांस कर रहा है। दिलीप 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 दिलीप। कौन हो तुम? दिलीप तुमने मुझे पहचाना नहीं बेटा, मैं तुम्हारे सास हूँ भागमती। What nonsense? इनकी बीवी तो मैं हूँ पर तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं कोई डायन हूँ जो तेरी माँ बनूं? कलमुई मुँह क्यों छुपाती है, जरा आँख मिलाकर बात कर। Ouch, darling. ये तेरा डार्लिंग नहीं, मेरा दामाद है दामाद। मेरा तुम्हारी बेटी से कोई संबंध नहीं, मुझे जिंदगी के लिए एक हसीन साथी की जरूरत है, एक मैली कुचोली गठरी की नहीं। बेटा नागन खूबसूरत होती है पर टस भी देती है। दिलीप दिलीप साधना तेरे वियोग में जान से जा रही है बेटा। जान से जाती है तो जाए। दिलीप डार्लिंग दीवाने हुए हो क्या, बुढ़िया सारे क्लब को तमाशा दिखा रही है, जाओ ना दो घड़ी उस गठरी को देखाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। डार्लिंग तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। अरे सुनो जी, मुझे तुमने मुझसे 10,000 रुपए मांगे थे ना, वो मैं बैंक से ले आऊंगी। अच्छा ओके डार्लिंग। अच्छा जी 100-100 के नोट चाहिए, ये 10-10 के। डार्लिंग 1,000-1,000 के ले आना। हजार? How sweet you are. अरे चलो भाई, अरे चलो ना। मेरे बुढ़ापे की इलाज रख ले बेटा, तूने साधना की तरफ से आंखें क्यों फेर ली? और क्या करता, तुम्हारी बेटी की वजह से तुम्हें घर से बाहर निकाला गया।
आजकल के जमाने में 350 रुपए की नौकरी में बनता ही क्या है? कहने को तो मैं मोतीलाल चौधरी रईस आजम का लड़का हूँ और तुम जैसी चौधरायन का दामाद, लेकिन सोसाइटी मेरी इज्जत क्या है? तो क्या उस फुलझड़ी के साथ बैठकर तेरी इज्जत बढ़ जाएगी? क्यों नहीं, वो अमीर बाप की इकलौती लड़की है, वो मुझसे प्यार करती है, हजारों रुपए मुझ पर खर्चती है। तो क्या तू दौलत का भूखा है बेटा? मेरे पास जो कुछ है वो किसका है? सब तेरा ही तो है। चल मेरे साथ, सारी जायदाद तेरे नाम किए देती हूँ, लेकिन मेरी फूल जैसी बेटी को कांटों में न रुला बेटा, कांटों में न रुला। अगर आपने पहले ही मेरे सर पे हाथ रख दिया होता तो मैं दर दर के खाक क्यों छानता? अब उस तोता परी को मुंह नहीं लगाएगा ना? तब भी नहीं। जा बेटी, चलने की तैयारी कर, जा। ये जायदाद की रजिस्ट्री वकील दे गया है, अब मेरी सारी जायदाद तुम्हारे नाम पक्की हो गई बेटा। माँ जी, ये तो ठहरी जायदाद की रजिस्ट्री, बाकी नकद रुपया और जेवर कहाँ है? वो भी देती हूँ, वो भी देती हूँ। मुझे माया का कोई लोभ नहीं बेटा, तुम खुश रहो बस। सवा लाख नकद और 50,000 के जेवर, मैंने बड़ी मेहनत से यह खरीदा है, इसे संभाल कर रखना, एक पैसा भी गलत ना खर्च करना। चाबियां जीते रहो बेटा, जीते रहो। साधना की माँ, ये क्या कह रहा है? बेटे मैं तेरी भी तो माँ हूँ। मेरी ऐसी माँ होती मैं उसके घर में जन्म लेने से इनकार कर देता। तुम्हारे राजपाट के दिन खत्म हुए, जाओ ऊपर के उस कमरे में बैठो जहाँ कन्हैया को उम्र कैद की सजा दी हुई थी। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? ये मेरा घर है, ये मेरी मर्जी है, जहाँ चाहूँ उठो बैठो। ये घर पहले तुम्हारा था, अब इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें ऊपर के कमरे में बैठने को कहा है, धर्मशाला नहीं भेज दिया। साधना, तिजोरी की चाबियां क्या इसके हाथ में आ गई? इसका तो सर ही उल्टा हो गया। साधना, अपनी मम्मी से कह के फौरन ऊपर चली जाए। मेरे कुछ दोस्त यहाँ रहे हैं, मैंने उन्हें दावत पे बुलाया, मैं ये नहीं चाहता वो तुम्हारी मनहूस माँ का मुकरा देखे। मम्मी, ये तो अपने आप में नहीं है। कब सुबह हुई कब शाम, एक बोतल हो बगल में और हाथ में हो एक जाम, फिर किसको फुर्सत सोचे, कब सुबह हुई कब शाम। पीपिरे पीपिरे जाती है यारो, आंखों में गुलाबी शम्मा जल जाती है यारो, जब थोड़ी सी गले में डल जाती है यारो, आंखों में गुलाबी शम्मा जल जाती है यारो, चार कतरो से निकल जाता है सारा काम, एक बोतल हो बगल में और हाथ में हो एक जाम, फिर किसको फुर्सत सोचे, कब सुबह हुई कब शाम। पीपिरे पीपिरे Thank you.
आदत डालो, मैखाने में आ बैठो और अपनी प्यास बुझा लो, बुझा लो बुझा लो बुझा लो। रो रो के जीने वालो, पीने की आदत डालो, मैखाने में आ बैठो और अपनी प्यास बुझा लो। देखो जन्नत मिल रही है कितने सस्ते दाम, एक बोतल हो बगल में और हाथ में हो एक जाम, फिर किसको फुर्सत सोचे कब सुबह हुई कब शाम। सोचो पीने से होती है कोई खराबी, अपना क्या बिगड़ेगा जो दुनिया कहे शराबी, शराबी शराबी शराबी। मत सोचो पीने से होती है कोई खराबी, अपना क्या बिगड़ेगा जो दुनिया कहे शराबी। नाम होता है उसी का जो हुआ बदनाम, एक बोतल हो बगल में और हाथ में हो एक जाम, फिर किसको फुर्सत सोचे कब सुबह हुई कब शाम। पी पी रे पी पी रे पी पी रे पी पी रे। जाती हूँ और उसे चोंडे से पकड़ कर लाती हूँ और बताती हूँ, देख तेरे बेटे ने क्या अनर्थ मचाया है यहाँ, देख। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपरेशन एंड हियर्स द मनी। मौसी, मेरा अपना खून ही खराब निकला, मेरी बहन ने शहर में जाकर ऐसे रंगढंग बदले कि बेचारी दिलीप भैया की काया ही बदल दी, देवता जैसे आदमी को राक्षस बना के रख दिया। पहले तो चालाकी से घर जमाई बना दिया और फिर शराब मांस मच्छी सब की सब बुरी आदतें सिखा दी। हे भगवान, न जाने मेरी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गए थे कि मैंने भागमती के घर से रिश्ता जोड़ा। अभी जाकर तेरी माँ से समझती हूँ कहाँ है वो। अरे क्या बांसुरी बजाई है अच्छा जी, ये तो आप ही का उद्देश्य है। अरे अब महाभारत का युद्ध याद आ जाएगा। चलो रामपुर, जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा हुआ ये बला यहीं पर मिल गया। ए भाई जल्दी ले चल किनारे पर, ना रोको। तो ये बला इधर ही आ रही है। मैं तो तेरे ही घर जा रही थी और मैं तेरे घर जा रही थी, अब पानी में गोते लगवाती हूँ। अरे क्या तू मुझे गोते क्या लगवाएगी, आखिरी समय राम राम कर ले, थोड़ी देर में मछलियाँ तेरा मांस खाएंगी। अरे क्या, मगर मत तो मछलियाँ नहीं खाती, मैं पूछती हूँ उस शराबी कबाबी को जन्म देकर मेरी लड़की के गले क्यों पड़ दिया। क्या मेरे बेटे को शराबी कहती है, कसूर तो तेरी बेटी का है। मेरी लड़की का नाम लिया तो कच्चा खा जाऊंगी, भांड तो तेरा बेटा है, तेरी बेटी है। अरे ये महाभारत शुरू हो गई। अरे पानी में गिर गई।
प्रभु। ओ माता, ओ ये क्या समस्या है जो आपस में हाथापाई कर रही हो? महाराज, इस जन्म जनी के बेटे ने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। महाराज, ये भक्ति है, इसकी बेटी ने मेरे बेटी को गलत रास्ते पर डाल दिया महाराज। अरे भगवान दोनों को सीधा रास्ता दिखाएंगे। अरे माताओं, आपस में लड़ झगड़ कर क्या प्राप्त होगा? तो हमारे साथ हमारे ब्रह्मचारी गुरुदेव अपने चेलों के साथ यहाँ निवास कर रहे हैं। वह अपनी तपस्या की शक्ति से आप दोनों के मन की आंखें खोल देंगे। आवो हमारे गुरुदेव के पास, आवो 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 आवो। बाबालिका सुनो रे साधो, ये संसारम उल्टम पलटम हो गया। कहाँ की भक्ति पूजा पाठम ठोकम ठाकम हो गया। बम बम लहरे बम बम लहरे बम बम। सुनो रे साधो, ये संसारम उल्टम पलटम हो गया। कहाँ की भक्ति पूजा पाठम ठोकम ठाकम हो गया। बम बम लहरे बम 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 लहरे बम बम। देखो देखो रे साधो, कलयुग की नारी का नमूना। अपनी ही संतान को इसने कस के लगाया कैसा चूना। अपनी बहू को बेटे से अपने सौ गज दूर सुलाया। प्रभु कृपा से फिर भी इतने चांद सपोता पाया। बोलो बम बम लहरे बम बम, फिर से बम बम लहरे बम बम। धन्य है साधो ये देवी भी, चिड़िया जैसी भोली भाली। रंग बिरंगे पंख है इसके, चोंच मगर है काली काली। अपनी बूढ़ी सास को इसने घर से मार भगाया। जब ये बात बनी तो इसको बहू ने मजा चखाया। बोलो बम बम लहरे बम बम, फिर से बम बम लहरे बम बम। ए सुनो रे साधो, ये संसारम उल्टम पलटम हो गया। कहाँ की भक्ति पूजा पाठम ठोकम ठाकम हो गया। बोलो बम बम लहरे बम बम, बोलो बम बम लहरे बम बम। महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। रुक जा, वहीं रुक जा। अपने कुकर्मी हाथों से हमारे चरण मत छू। गुरुदेव, क्या इस नारी में कोई दोष है? बालक, इसमें कोई गुण होता तो मैं गिनवाता। इसके अब गुणों के लिए तो 600-700 बही खाते खोलने पड़ेंगे। अरे ओ बुढ़िया, तू ऊपर नरक में जाना चाहती है या नीचे स्वर्ग का सुख भोगना चाहती है? मुझे तो महाराज यहाँ नीचे ही रहने दो। ऐसी बात है तो बैठ जा और मेरे शिष्य के चरण छू। गुरु कृपा, गुरु कृपा। श्री महाराज कृपा कीजिए। कृपा करना लाला, कृपा राम जी का काम है। पहले तुम अपने तन के आंगन में झाड़ू देकर अपनी आत्मा को साफ करो। साफ कर ली महाराज, बिल्कुल साफ कर ली। बहुत अच्छे, तो फिर कहो कि तुम एक जालिम सास हो या नहीं? हूँ महाराज। आ
अपनी बहू को अपनी छाती के साथ लगाओगी? लगाऊंगी महाराज। एक आंख बंद करके कभी बात नहीं करोगी? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। दान पुण्य करोगी? करूंगी। और अपना बाकी का जीवन माला फिर कर गुजारोगी? गुजारूंगी। तो फिर ये लो माला, अभी से जाप शुरू कर दो। चंद्रमुखी, अब तुम आओ। आज्ञा महाराज। हाँ, तू इस शिष्य के चरण छू। अच्छा। नारी, तू अपने मन के आंगन में फ्लिट मार ताके तेरे कुकर्म के कीड़े मकोड़े मर जाएं। सत वचन महाराज। अच्छा, आप कहो कि तू अपनी बहू को सर आंखों पर बिठाओगी? बिठाऊंगी महाराज। अपनी बूढ़ी सास को, जिसे तुमने फटा पुराना वस्त्र समझकर घर से बाहर फेंक दिया था, क्या उस सास की उम्र भर सेवा करोगी? करूंगी महाराज। सौगंध खाओ। किसकी सौगंध महाराज? अपने एक ही बेटे की। मैं अपने बेटे की सौगंध खाती हूँ, अपनी सासू माँ को सर आँखों पर बिठा कर रखूंगी। अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो भगवान मुझे नरक में डालेंगे। अरे भगवान की पहले ही मर्जी तुम्हें नरक में डालने की है, ये तो हम तुम पर बहुत खुश हैं, इसलिए हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे भगवान के आगे कि तुम्हें स्वर्ग में भेजे। ना महाराज, इसकी सिफारिश न करना, ये स्वर्ग में जाकर भी भगवान को तंग करेंगे। खबरदार, वहाँ बैठ जा चंद्रमुखी, नहीं तो भस्म कर दूंगा। और तू भी चुप रहे, तू दुनिया छोड़ चुकी है, अभी तक तेरा मन साफ नहीं हुआ है। भूल हो गए महाराज, मुझे मेरे बेटे बहू और पोते से मिला दीजिए, मेरी बेटी का सुख मुझे दे दीजिए, मेरे दामाद की शराब छुड़ा दीजिए। हाँ तो आंखें बंद करो और मुंह उधर कर। चंद्रमुखी, तू भी अपने नेत्र बंद कर, मुंह उधर कर, चल चल। आंखें मत खोलना जब तक मैं नहीं कहूँ। अरे बेटा कन्हैया आ जा। अरे दलीप तू भी आ जा। अब दोनों आंखें खोलो। मेरा बेटा। बेटे, मेरी साधना कहाँ है? उसके आने में अभी समय है। लाज और मुन्ना कहाँ है? उनके आने में भी अभी समय है। हाँ, मरियो। अरे बच्चों, देखा तुमने, मैंने अपने योग की शक्ति से तुम्हारी माँ को ड्राई क्लीन करके बिल्कुल साफ सुथरा बना दिया है। गुरुदेव, आपकी शक्ति हमें खींच कर कहाँ से कहाँ ले आई। गुरुदेव, मर्दाना क्लास तो आ गई, अब जनाना क्लास को भी बुलाइए ना। धीरज रखो। बेटा लाजवंती, अपनी गोद में बालक को उठाकर आ जा। तेरी पुरानी सास नहीं हूँ, मेरा नया जन्म हुआ है, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आपके चरण छूना तो मेरा धर्म है। कन्हैया, अरे दूर क्यों खड़ा है, मेरे सामने बहू का हाथ पकड़। बेटी साधना, आ जा। साधना, मेरी रानी, मेरी रानी। अरे दिलीप, वहाँ क्या खड़ा है? अरे साधना के पास खड़े रहे। मां, उधर देखो। हाँ बहन जी। बेटा जी, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? कीजिए ना प्लीज। लो बाबा, खोलिए। लो बाबा, उधर देखो। परिवार देखकर मेरा रोम रोम नाच रहा है। मां, मां, मां।
माँ ये नहीं, तेरे चरणों में कौन पड़ा है? माजी, तेरी बच्ची। माजी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपनी किए का फल मिल गया। मालिक आप कहे तो मैं भी ये दाढ़ी उखेड़ दूं, ये गोंद तो मेरी चमड़ी को खाए जा रही है। तू अभी तक मेकअप में है, उतार दे उतार दे। माँ ये दीपू की खास है, ये मेरी माँ है। मालिक मालिकन से कहूं कि बाण प्रताश्रम छोड़कर घृताश्रम में चले। अबे तू कौन होता है मेरी बीवी से बात करने वाला? हम खुद आमने सामने बात करेंगे। 22 बरस के बाद ये जलवा देखा है, क्या जवानी को मेंटेन किया है। मैं ऐसा हुआ नो रानी मुखुड़ा, झूठा सास बहू का टुकड़ा। चलो सब अपने अपने घर चलो, जियो 1000 बरस जियो और खूब खाओ पियो।